तो अभी हम लोग बात करने वाले वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग के बारे में। तो वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सपांशन वाल्व के बारे में। तो यहाँ पर ये जो एक्सपांशन वाल्व होता है ये क्या करता है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमारा जो एवोपोरेटर होता है, इवेपोरेटर में अगर हम लोग देखें बेसिकली क्या होता है, इवेपोरेटर में हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसका इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होता है हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। तो सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि जो इवेपोरेटर है इसमें हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसका जो स्टेट है वो क्या होता है, चेंज होता है। अब यहाँ पर ये स्टेट तभी चेंज होगा जब हमारे रेफ्रिजरेंट का क्या होगा, एक्सपांशन होगा। तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसे हमें क्या करना होगा, उसका हमें एक्सपांशन करना होगा। एक्सपांशन के बाद होगा क्या, वो जो रेफ्रिजरेंट होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। और ये कहाँ पर होगा, ये हमारा बेसिकली इवेपोरेटर में होगा। तो यहाँ पर ये जो थर्मोस्टेटिक जो एक्सपांशन वाल्व होता है करता क्या है, हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है उसे क्या करता है, उसे बेसिकली एक्सपांड करता है एवोपोरेटर में, जिसके वजह से होता क्या है, हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसका जो स्टेट है वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक्सपांशन वाल्व सिंपल वर्ड में, यहाँ पर ये जो एक्सपांशन वाल्व है वो क्या करता है, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसे क्या करता है, एक्सपांड करता है। और एक्सपांशन के वजह से क्या होता है, रेफ्रिजरेंट का स्टेट चेंज होता है। अभी यहाँ पर ये एक्सपांशन किस में होता है, एक्सपांशन बेसिकली हमारे इवेपोरेटर में होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एक्सपांशन वाल्व होता है क्या करता है, ये बेसिकली लिक्विड रेफ्रिजरेंट को क्या करता है, सर्कुलेट करता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को क्या करता है, सर्कुलेट करता है इवेपोरेटर कॉइल में। लिक्विड रेफ्रिजरेंट को क्या करता है, सर्कुलेट करता है इवेपोरेटर कॉइल में, जिसके वजह से होता है कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसका स्टेट चेंज होता है इवेपोरेटर में। और स्टेट चेंज होने की वजह से हमारा जो रेफ्रिजरेंट है लिक्विड से किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। अभी यहाँ पर ये जो एक्सपांशन वाल्व है इसको हम लोग बेसिकली कंट्रोल करते हैं किसके थ्रू, टेम्परेचर ऑफ सक्शन गैस लीविंग इवेपोरेटर, प्रेशर ऑफ सक्शन गैस लीविंग थ्रू इक्वलाइजर ट्यूब। तो यहाँ पर जैसे हमने बात किया, यहाँ पर ये जो एक्सपांशन वाल्व है इसे कंट्रोल किया जाता है सक्शन गैस के टेम्परेचर के थ्रू और सक्शन गैस के प्रेशर के थ्रू। अब सक्शन गैस का जो टेम्परेचर है वो इवेपोरेटर से निकलता है और जो सक्शन गैस का जो प्रेशर है वो इक्वलाइजर ट्यूब से निकलता है। तो सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ये जो एक्सपांशन वाल्व है इसको हम लोग बेसिकली कंट्रोल करते हैं सक्शन गैस के टेम्परेचर और प्रेशर के थ्रू। हम यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर एक्सपांशन वाल्व अगर फॉल्टी होता है तो ऐसे किस में जो सक्शन प्रेशर होगा वो लो होगा, और ऐसे किस में जो बल्ब होगा एक्सपांशन वाल्व का उसको हम लोग बेसिकली हॉट वाटर में इमर्स्ड करेंगे और उसको गर्म करेंगे। और हीटिंग के बाद अगर सक्शन प्रेशर अगर चेंज अगर नहीं होता है तो ऐसे किस में हमारा जो एक्सपांशन वाल्व होगा वो क्या होगा, वो फॉल्टी होगा। तो यहाँ से हमने क्या समझा, अगर सक्शन एक्सपांशन वाल्व अगर फॉल्टी होता है तो ऐसे कि इसमें सक्शन प्रेशर लो होगा। सक्शन प्रेशर लो होगा ये हमें कैसा पता चलेगा, जो थर्मोस्टैटिक एक्सपांशन वाल्व होता है इसमें हमें बेसिकली मिलती है बल्ब। अब ये जो बल्ब होगी इसको हम लोग गर्म पानी में इमर्स करेंगे, जिसके वजह से होगा क्या, हीट जनरेट होगी। हीटिंग के बाद भी अगर सक्शन प्रेशर अगर लो होता है तो ऐसे कि इसमें जो थर्मोस्टैटिक एक्सपांशन वाल्व है वो क्या है, वो बेसिकली फॉल्टी है। तो यहाँ पर ये थर्मोस्टैटिक एक्सपांशन वाल्व से हमने क्या समझा, जो वाल्व है क्या करता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को एक्सपांड कर देता है इवेपोरेटर में, जिसके वजह से होता क्या है, इवेपोरेटर में जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसका वेपराइजेशन हो जाता है और जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने क्या कंसीडर किया, यहाँ पर ये हमने बेसिकली कंसीडर किया थर्मोस्टैटिक एक्सपांशन वाल्व का कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर ये बल्ब, यहाँ पर ये इनलेट, यहाँ पर ये बॉडी इनलेट ये इवेपोरेटर से कनेक्ट है, यहाँ पर ये स्प्रिंग और यहाँ पर ये डायफ्राम कनेक्टेड है और यहाँ पर ये बेसिकली कैपिलरी ट्यूब कनेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन है किसका, हमारे एक्सपांशन वाल्व का। अभी बात करते हैं कंप्रेसर के बारे में। तो जो कंप्रेसर होता है वो क्या करता है, बेसिकली कंप्रेस करने का काम करता है, किसको, लिक्विड को या फिर गैस को, गैस को, गैस से क्या समझे, वेपर। तो यहाँ पर ये जो कंप्रेसर होता है वो क्या करता है, जो रेफ्रिजरेंट वेपर होती है, राइट, रेफ्रिजरेंट का जो स्टेट होता है वो चेंज हो रहा होता है लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड। तो यहाँ पर ये जो कंप्रेसर होता है वो क्या करता है, जो रेफ्रिजरेंट वेपर है उसे क्या करता है, कंप्रेस करता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो रेफ्रिजरेंट वेपर है उसे क्या करता है, कंप्रेसर, वो कंप्रेस करता है, जिसके वजह से जो रेफ्रिजरेंट वेपर है उसका जो प्रेशर और जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ करेगा। तो कंप्रेसर में अगर रेफ्रिजरेंट वेपर का प्रेशर और टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो ऐसे केस में जब रेफ्रिजरेंट वेपर जब कंप्रेसर में एंटर कर रही होती है तो रेफ्रिजरेंट वेपर का जो प्रेशर जो होता है वो कैसा होता है, लो होता है। तो जो रेफ्रिजरेंट वेपर जो कि कंप्रेसर में एंटर कर रही होती है उसका जो प्रेशर होता है वो लो होता है, और जो कंप्रेसर होता है रेफ्रिजरेंट वेपर को कंप्रेस करता है, जिसके वजह से जो रेफ्रिजरेंट वेपर है उसका जो टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर जाता है। हम यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये कंप्रेसर में जो रेफ्रिजरेंट है वो एंटर करता है किसके थ्रू, सक्शन लाइन के थ्रू, और जो कंप्रेसर है वो क्या करता है, रेफ्रिजरेंट वेपर को कंप्रेस करता है, और कंप्रेस करने के बाद होता क्या है, रेफ्रिजरेंट वेपर का जो टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और ये जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाली जो रेफ्रिजरेंट वेपर होती है इसको फर्दर कहाँ पर सर्कुलेट कर दिया जाता है, कंडेंसर कॉइल में सर्कुलेट कर दिया जाता है थ्रू सक्शन लाइन।
अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया रेफ्रिजरेंट या कंप्रेसर को लीव करते हैं, तो ऐसे केस में जो रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, और जो रेफ्रिजरेंट जो कि कंप्रेसर को लीव कर रही होती है वो कहाँ पर जा रही होती है, कंडेंसर कॉइल में जा रही होती है। मतलब कंडेंसर कॉइल में जो रेफ्रिजरेंट जा रही होती है उसका जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है, हाई होता है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, अभी बात करेंगे कंडेंसर के बारे में, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इवेपोरेटर और कंडेंसर, इवेपोरेटर में होता क्या है, इवेपोरेशन होता है, मतलब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, और कंडेंसेशन में होता क्या है, जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। मतलब जो कंडेंसर होगा क्या करेगा, लिक्विड को वेपर में, जो गैस है उसे किस में कन्वर्ट करेगा, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, और जो इवेपोरेटर है लिक्विड को किस में कन्वर्ट करेगा, वेपर में कन्वर्ट करेगा। तो कंडेंसर में अगर हम लोग देखें, बेसिकली कॉयल होती है, और ये जो कॉयल होती है कॉपर ट्यूब की बनी होती है, राइट। और कंडेंसर में बेसिकली हमें बेसिकली एल्युमिनियम फिन्स भी मिलती है, जो कि किसकी बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की। तो सिंपल वर्ड में कंडेंसर में हमें मिलती है कॉयल जो कि बेसिकली किसकी बनी होती है, कॉपर ट्यूब की बनी होती है। एल्युमिनियम फिन्स भी होते हैं कूलिंग के लिए, जो कि बेसिकली स्टेनलेस स्टील के होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कंडेंसर में जो वेपर होता है, जो रेफ्रिजरेंट होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, वो हाई होता है। तो जो हाई टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट है, हाई टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट वेपर है वो हमारे कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर क्या करता है, वो हाई टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट वेपर है उसे क्या करता है, कूल डाउन कर देता है, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, और इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं कंडेंसेशन। हम यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कंडेंसर में बेसिकली फ़ैन भी लगा होता है, और ये जो कंडेंसर फैन होता है ये क्या करता है, बेसिकली एयर को सर्कुलेट करने का काम करता है कंडेंसर कॉइल में, राइट। तो सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि जो कंडेंसर कॉइल में जो हीट होती है उसे मतलब निकालने का काम करता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो कंडेंसर फैन है बेसिकली एयर को सर्कुलेट करता है कंडेंसर कॉइल में। तो नाम से पता चल रहा है इवेपोरेटर फैन क्या करेगा, बेसिकली एयर को सर्कुलेट करेगा इवेपोरेटर में। अब कंडेंसर फैन क्या करता है, बेसिकली एयर को सर्कुलेट करता है किसमें, कंडेंसर कॉइल में। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो वेपर है वो किसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ही हमने कंडेंसर के बारे में बात की, अभी बात करते हैं कंडेंसर फैन के बारे में। तो जो कंडेंसर फैन होता है ये एयर को एब्जॉर्ब करता है, इट एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम कंडेंसर कॉइल एंड रिलीज दैट एयर इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू सर्कुलर अपर्चर। यहाँ पर ये जो कंडेंसर फैन होता है ये क्या करता है, ये बेसिकली एयर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है कंडेंसर कॉइल से। कंडेंसर कॉइल में जो हॉट एयर होती है उसे क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और उसे एयर में क्या करता है, रिलीज कर देता है थ्रू सर्कुलर अपर्चर। मतलब एक सर्कुलर अपर्चर होता है उसके थ्रू हीट का क्या हो जाता है, डिसिपेशन हो जाता है कंडेंसर फैन के थ्रू। मतलब यहाँ पर ये जो फैन है ये क्या करेगा, सिंपल वर्ड में कूलिंग का काम करेगा, चाहे कंडेंसर फैन होने दो या फिर ये इवेपोरेटर फैन होने दो। तो ये जो फैन हो गए वो क्या करेंगे, हमारे कॉइल में जो हीट जो होगी उसे एब्जॉर्ब करेंगे और उसे डिसिपेट कर देंगे किसमें, एटमोसफियर में, या फिर बोल सकते हैं इन्वायरमेंट में। यहाँ पर ये जो वाइड गार्ड आर फिटेड ओवर अपर्चर, जैसे हमने बात किया जो कंडेंसर फैन होता है ये क्या करता है, बेसिकली हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है जो कि कंडेंसर कॉइल में होती है, कूलिंग प्रोवाइड करता है कंडेंसर को, और जो हीट को जो एब्जॉर्ब करता है उसे क्या कर देता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है थ्रू सर्कुलर अपर्चर। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वाइड गार्ड प्रोवाइड करता है अपर्चर के ऊपर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फैंस एंड अदर यूनिट, जैसे एक जाली जैसा लगा होता है वो बेसिकली हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि जो फैन वैंस हो उसको हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाए। अभी बात करते हैं इवेपोरेटर के बारे में। अभी जो इवेपोरेटर होता है वो क्या करता है, इवेपोरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करता है। इवेपोरेशन में होता क्या, बेसिकली जो लिक्विड होता है किस में कन्वर्ट होता है, जो लिक्विड होता है वेपर में कन्वर्ट होता है। अभी यहाँ पर ये स्टेट चेंज हमारे सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। अब जो इवेपोरेटर होता है वो क्या करता है, लिक्विड को क्या करता है, वेपराइज कर देता है एट कंट्रोल टेम्परेचर और कंट्रोल अमाउंट में। जो इवेपोरेटर होता है उसमें बेसिकली कॉइल होती है जिसको बोलते हैं इवेपोरेटर कॉइल। जो रेफ्रिजरेंट होता है कॉइल में वो बेसिकली इवेपोरेटर कॉइल में वो बेसिकली लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इवेपोरेटर होता है वो क्या कर देता है, इवेपोरेट कर देता है किसको, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को। इवेपोरेट कर देता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट को, मतलब जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसे बेसिकली लिक्विड से किस में कन्वर्ट कर देता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर देता है एट कंट्रोल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है वो लो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, और इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है कैसा होता है, लो होता है। तो जो इवेपोरेटर होता है इसमें भी बेसिकली कॉइल होती है, और जो इवेपोरेटर होता है क्या करता है, लिक्विड को इवेपोरेट कर देता है, मतलब जो रेफ्रिजरेंट है उसे इवेपोरेट कर देता है, मतलब लिक्विड से किस में कन्वर्ट कर देता है, वेपर में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पर ये जो इवेपोरेटर जो इवेपोरेशन प्रोसेस जो परफॉर्म करता है बेसिकली कंट्रोल टेम्परेचर और कंट्रोल प्रेशर पर करता है, और यहाँ पर ये इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है वो लो होता है।
अभी यहाँ पर ये इवेपोरेटर फ़ैन, जो इवेपोरेटर फ़ैन होता है ये बेसिकली क्या होता है, बेसिकली इवेपोरेटर को कूलिंग प्रोवाइड करने का काम करता है, क्या, इवेपोरेटर फ़ैन, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ये कूलिंग प्रोवाइड करता है, मतलब जो हीट होती है इवेपोरेटर में से उसको निकाल देता है। इवेपोरेटर फ़ैन, इट रिमूव हीट फ्रॉम सर्कुलेटिंग एयर विच इज सर्कुलेटिंग इन इवेपोरेटर कॉइल। यहाँ पर ये जो इवेपोरेटर फ़ैन होता है वो क्या करता है, जो इवेपोरेटर कॉइल में जो हीट होती है उसको निकालने का काम करता है, क्या, इवेपोरेटर फ़ैन। तो इवेपोरेटर फ़ैन क्या करता है, जो इवेपोरेटर कॉइल में जो हीट जो होती है, इवेपोरेटर कॉइल में जो रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेंट में जो हीट एनर्जी होती है उसे रिलीज़ करने का काम करती है, वो हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है, उस हीट एनर्जी को हटाने का काम करता है इवेपोरेटर फ़ैन। सिमिलरली जो कंडेंसर फ़ैन होता है वो क्या करता है, कंडेंसर कॉइल में जो हीट होती है उसे रिलीज़ करने का काम करता है, कंडेंसर कॉइल में जो रेफ्रिजरेंट है उसका में जो हीट होती है उसे रिलीज़ करने का काम करता है, कंडेंसर कॉइल को कूलिंग प्रोवाइड करता है, सिंपल वर्ड में। जैसे कि हमने बात किया जो इवेपोरेटर फ़ैन और जो कंडेंसर फ़ैन है दोनों का सेम काम है, तो जो इवेपोरेटर फ़ैन है ये क्या करता है, हीट को निकाल देता है सर्कुलेटिंग एयर में, जो हीट है उसको निकाल देता है इवेपोरेटर फ़ैन, राइट। तो सर्कुलेटिंग कॉइल, जो इवेपोरेटर कॉइल है उसमें जो रेफ्रिजरेंट जो सर्कुलेट हो रहा होता है उसमें जो हीट होती है उसको निकाल देता है इवेपोरेटर फ़ैन। अब यहाँ पर ये जो इवेपोरेटर फ़ैन है ये बेसिकली कूल एयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये इवेपोरेटर फ़ैन में सेंट्रिफ्यूगल फ़ैन ब्लोअर होता है और फॉग डिस्टिल हब होता है, राइट। तो ये इवेपोरेटर फ़ैन क्या होता है, बेसिकली सेंट्रिफ्यूगल टाइप का फ़ैन ब्लोअर होता है और फॉग डिस्टिल हब होता है उसके ऊपर लगा होता है, और मोटर होती है जो कि थ्री फेज होती है, सिंगल शाफ्ट है, और वो जो मोटर है जो कि 415 वोल्ट एसी पर चल रही होती है, थ्री फेज मोटर, और जो आरपीएम होता है कितना होता है, वो होता है 1400 आरपीएम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे हमने बात किया जो इवेपोरेटर फ़ैन होता है वो क्या करता है, इवेपोरेटर जो कॉइल होती है उसमें जो रेफ्रिजरेंट जो सर्कुलेट हो रहा होता है उसमें जो हीट है उसको निकालने का काम करता है इवेपोरेटर, कूल्ड एयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इवेपोरेटर फ़ैन। इवेपोरेटर फ़ैन में बेसिकली हमें सेंट्रिफ्यूगल फ़ैन ब्लोअर मिलता है जिसमें फॉग डिस्टिल हब होता है, और यहाँ पर ये जो सेंट्रिफ्यूगल, जैसे कि हमने बात किया फ़ैन ब्लोअर होते हैं और ऑब्वियसली फ़ैन है तो मोटर, और जो मोटर होती है वो थ्री फेस मोटर होती है, सिंगल शाफ्ट है, 415 वोल्ट एसी पर चलते हैं और 1400 आरपीएम होता है। फिर उसके बाद अभी हम लोग बात करते हैं मॉइस्चर इंडिकेटर के बारे में। अभी ये जो मॉइस्चर इंडिकेटर होता है इसका क्या काम होता है, जो मॉइस्चर इंडिकेटर होता है ये बेसिकली जो ड्राई हाइड्रेटेड फिल्टर है उसके नीचे की तरफ लगा होता है, लोकेटेड एट डाउन स्ट्रीम ऑफ ड्राई हाइड्रेटेड फिल्टर, राइट, डिहाइड्रेटेड फिल्टर। तो जो मॉइस्चर इंडिकेटर है ये बेसिकली डिहाइड्रेटेड फिल्टर के नीचे की तरफ लगा होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मॉइस्चर इंडिकेटर के थ्रू हम लोग क्या देखते हैं, हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसमें जो एक्सेस मॉइस्चर है उसको हम लोग देख सकते हैं मॉइस्चर इंडिकेटर के थ्रू। एक्सेस मॉइस्चर इन दिस सिस्टम इज इंडिकेटेड, कैन बी सीन बाय दिस मॉइस्चर इंडिकेटर। अब ये मॉइस्चर इंडिकेटर में अगर हम लोग देखें बेसिकली साइड ग्लास लगी होती है और वो साइड ग्लास के थ्रू जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका फ्लो हो रहा होता है, राइट। और जैसे हमने बात किया जो साइड ग्लास है उसके थ्रू हम लोग बेसिकली मॉइस्चर को देखते हैं। अगर बबल्स अगर साइड ग्लास में अगर अपियर हो रहा है तो ऐसे कि इसमें जो रेफ्रिजरेंट है जो चार्ज किया गया वो लो है, इनसफिशिएंट कूलिंग हमें मिलेंगी रेफ्रिजरेंट की, और हमें डिस्चार्ज प्रेशर भी लॉस ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर होगा, और जो लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट लाइन है वो क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। तो सिंपल वर्ड में मॉइस्चर इंडिकेटर से हम लोग क्या समझते हैं, जो मॉइस्चर इंडिकेटर होता है ये हमें ये बताता है कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसमें मॉइस्चर अवेलेबल है या नहीं, राइट। कैसा बताता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट के कलर के थ्रू। जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट का जो कलर है, रेफ्रिजरेंट का जो कलर है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस कलर, और कलर में अगर चेंजेस आता है तो ऐसे केस में हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसमें क्या है, बेसिकली मॉइस्चर है, राइट। और अगर साइड ग्लास में, अगर जैसे हमने बात किया मॉइस्चर इंडिकेटर में साइड ग्लास लगी होती है और वो साइड ग्लास में अगर हमें बबल का फॉर्मेशन दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो रेफ्रिजरेंट जो चार्ज किया गया है वो लो है, और हमें ऐसे केस में जो रेफ्रिजरेंट है उसकी इनसफिशिएंट कूलिंग मिलेंगी, डिस्चार्ज प्रेशर का लॉस भी मिलेगा, और ऐसे केस में जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड लाइन है वो भी क्या होगी, ब्लॉक होगी, ब्लॉक रेफ्रिजरेंट लाइन। रेफ्रिजरेंट चार्ज लो और हमें इनसफिशिएंट कूलिंग मिलेंगी रेफ्रिजरेंट की, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बात किया मॉइस्चर इंडिकेटर के बारे में। अभी बात करते हैं चेक वाल्व के बारे में। तो जो चेक वाल्व है इसे बेसिकली डिस्चार्ज पाइप चेक वाल्व भी बोला जाता है। चेक वाल्व का एक और एक नाम होता है डिस्चार्ज पाइप चेक वाल्व, और ये बेसिकली जो कंप्रेसर का जो एग्जिट है वहाँ पर लगा होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेटेड एट द एग्जिट ऑफ कंप्रेसर। तो जो चेक वाल्व है इसे डिस्चार्ज पाइप चेक वाल्व भी बोला जाता है, और ये कंप्रेसर के एग्जिट पे लगा होता है, कंप्रेसर के बाहर लगा होता है। और यहाँ पर ये बेसिकली जो चेक वाल्व होता है, बेसिकली जो रेफ्रिजरेंट है उसे बैक फ्लो नहीं होने देता जब हमारा वीएसी सिस्टम ऑफ होता है। जब हमारा वीएसी सिस्टम ऑफ होता है तो ऐसे केस में जो रेफ्रिजरेंट है उसका बैक फ्लो नहीं होना चाहिए,
तो यही रीज़न के वजह से हम लोग बेसिकली चेक वाल्व लगाते हैं। तो जो चेक वाल्व होता है क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को बैक फ्लो नहीं होने देता जब हमारा सिस्टम ऑफ होता है तो, और जो चेक वाल्व होता है कंप्रेसर के एग्जिट पे लगा होता है। फिर उसके बाद रीहीट कॉइल आउटलेट और चेक वाल्व, राइट। तो यहाँ पर ये जो रीहीट कॉइल आउटलेट चेक वाल्व, अब ये क्या करता है, ये भी ये बेसिकली कहाँ पर लगा होता है, जैसे हमने बात किया जो चेक वाल्व होता है कंप्रेसर के एग्जिट पर लगा होता है। अब यहाँ पर ये जो रीहीट कॉइल चेक वाल्व है ये बेसिकली रीहीट कॉइल के आउटलेट पे लगा होता है, लोकेटेड एट दी आउटलेट, या फिर बोल सकते हैं लोकेटेड एट दी एग्जिट ऑफ रीहीट कॉइल आउटलेट। यहाँ पर ये जो चेक वाल्व है कंप्रेसर के एग्जिट पे लगा होता है या फिर कंप्रेसर के आउटलेट पे लगा होता है, और ये जो चेक वाल्व होता है जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसे बैक फ्लो नहीं होने देता। हम यहाँ पर ये रीहीट कॉइल आउटलेट चेक वाल्व, रीहीट कॉइल आउटलेट चेक वाल्व, ये कहाँ पर लगा होता है, बेसिकली रीहीट कॉइल के एग्जिट पर लगा होता है, राइट। और ये बेसिकली जो रीहीट कॉइल, जो जैसे हमने बात किया रीहीट कॉइल आउटलेट चेक वाल्व, ये बेसिकली रीहीट कॉइल के एग्जिट पर लगा होता है, और ये बेसिकली जो रेफ्रिजरेंट की जो हॉट गैस है उसे बेसिकली रीहीट कॉइल में एंटर नहीं होने देता, प्रिवेंट रेफ्रिजरेंट हॉट गैस फ्रॉम एंटरिंग द रीहीट कॉइल। अगर रेफ्रिजरेंट की हॉट गैस अगर हमारी रीहीट कॉइल में जाती है तो ये बेसिकली अनडिजायरेबल होता है। तो यही रीज़न के वजह से यहाँ पर ये रीहीट कॉइल चेक वाल्व लगा होता है जो कि बेसिकली रीहीट कॉइल के एग्जिट पर लगा होता है, और जो रेफ्रिजरेंट की जो हॉट गैस होती है उसे रीहीट कॉइल में एंटर नहीं होने देता। अभी बात करते हैं थ्री वे सोलेनॉइड वाल्व के बारे में। अब ये थ्री वे सोलेनॉइड वाल्व क्या करता है, कनेक्ट वीएसी यूनिट सर्किट विद कंप्रेसर डिस्चार्ज पाइप। यहाँ पर ये जो वीएसी यूनिट सर्किट है इसे कंप्रेसर, वीएसी यूनिट सर्किट और ये कंप्रेसर डिस्चार्ज पाइप, यहाँ पर ये वीएसी यूनिट सर्किट और यहाँ पर ये पाइप लगा जिसको बोलते हैं कंप्रेसर डिस्चार्ज पाइप। अब ये दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, थ्री वे सोलेनॉइड वाल्व। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो थ्री वे सोलेनॉइड वाल्व होता है क्या करता है, जो वीएसी जो पैनल, वीएसी यूनिट सर्किट, वीएसी सर्किट और कंप्रेसर डिस्चार्ज पाइप दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है थ्री वे सोलेनॉइड वाल्व। व्हेन सप्लाई एयर टेम्परेचर इज टू लो देन थ्री वे वाल्व विल ऑपरेट ड्यू टू विच कंप्रेसर हॉट गैस विल एंटर इन रीहीट कॉइल टू हीट सप्लाई एयर बिफोर सप्लाइंग इनटू कंडेंसर, राइट। यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया था कि जो कंडेंसर होता है उसमें जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, जैसे हमने बात किया था जो कंडेंसर होता है उसमें जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका जो टेम्परेचर जो होता है वो कैसा होता है, वो हाई होता है, राइट। और जो इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका जो टेम्परेचर होता है, प्रेशर जो होता है वो लो होता है, मगर कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है, वो हाई होता है। अभी यहाँ पर अगर सप्लाई टेम्परेचर, अगर सप्लाई एयर का टेम्परेचर अगर लो होता है तो ऐसे केस में जो कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट है जो जाएगा उसका जो टेम्परेचर जो होगा वो कैसा होगा, वो लो होगा। तो यहाँ से हमने क्या समझा, जब सप्लाई एयर का टेम्परेचर कम होता है तो ऐसे केस में थ्री वे सोलेनॉइड वाल्व क्या होता है, वो ऑपरेट कर जाता है, जिसके वजह से जो कंप्रेसर की जो हॉट गैस होती है वो पहला कहाँ पर जाती है, रीहीट कॉइल में जाती है, जिसके वजह से होता क्या है, जो रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है, और फिर उसके बाद वो जो रेफ्रिजरेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसर में क्या कर देते हैं, सर्कुलेट कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सप्लाई एयर का टेम्परेचर अगर कम होता है तो थ्री वे सोलेनॉइड वाल्व ऑपरेट करेगा और जो कंप्रेसर की जो हॉट गैस होगी रीहीट कॉइल में जाएंगी, फिर उसके बाद होगा क्या, हमारा जो रेफ्रिजरेंट होगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा और वो जो रेफ्रिजरेंट होगा उसको हम लोग कंडेंसर में क्या करेंगे, सर्कुलेट कर देंगे। क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था कि हमारा जो कंडेंसर है इसमें जो रेफ्रिजरेंट है जो जाएगा उसका जो टेम्परेचर और जो प्रेशर हो कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, राइट। अगर सप्लाई एयर का टेम्परेचर अगर कम होगा तो ऐसे कि इसमें जो रेफ्रिजरेंट जो जाएगा कंडेंसर में उसका जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा। तो ऐसे केस में जब सप्लाई एयर का टेम्परेचर कम होता है तो ऐसे केस में जो रेफ्रिजरेंट होता है वो कहाँ पर जाता है, सप्लाई एयर का टेम्परेचर कम होगा, थ्री वे सोलेनॉइड वाल्व ऑपरेट होगा, जिसके वजह से जो कंप्रेसर की जो हॉट गैस होगी रीहीट कॉइल में जाएंगी और फिर जो रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा और वो जो हाई टेम्परेचर वाला जो रेफ्रिजरेंट होगा वो हमारे कंडेंसर में जाएगा। फिर उसके बाद अभी हम लोग बात करते हैं सोलेनॉइड वाल्व। यहाँ पर हमने थ्री वे सोलेनॉइड वाल्व के बारे में बात किया, थ्री वे सोलेनॉइड वाल्व का काम क्या होता है, जब सप्लाई एयर टेम्परेचर कम होता है तो थ्री से वे सोलेनॉइड वाल्व ऑपरेट करता है। फिर उसके बाद सोलेनॉइड वाल्व S1 एंड S2। यहाँ पर ये जो सोलेनॉइड वाल्व होता है, ये सोलेनॉइड वाल्व ये नॉर्मली क्लोज होता है जब तक कि इसको हम लोग एनर्जाइज ना करें। बेसिकली दो सोलेनॉइड वाल्व होता है जो कि बेसिकली मॉइस्चर इंडिकेटर और एक्सपांशन वाल्व के बीच में लगा होता है। तो जैसे हमने बात किया जो सोलेनॉइड वाल्व होता है ये बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, क्लोज होता है जिसको जब तक कि इसको हम लोग एनर्जाइज ना करें। और ये जो सोलेनॉइड वाल्व होता है कहाँ पर लगा होता है, मॉइस्चर इंडिकेटर, मॉइस्चर जो इंडिकेटर होता है और जो एक्सपांशन वाल्व होता है दोनों के बीच में सोलेनॉइड वाल्व लगा होता है। यहाँ पर ये मॉइस्चर इंडिकेटर और यहाँ पर ये एक्सपांशन वाल्व दोनों के बीच में क्या लगा होता है, सोलेनॉइड वाल्व लगा होता है। तो ये सोलेनॉइड वाल्व ये नॉर्मली क्लोज होता है जब तक कि इसको हम लोग एनर्जाइज ना करें। और ये जो सोलेनॉइड वाल्व होता है बेसिकली मॉइस्चर इंडिकेटर और एक्सपांशन वाल्व के बीच में लगा होता है। अब ये सोलेनॉइड वाल्व क्या करता है, जो सोलेनॉइड वाल्व है ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट को बेसिकली कंप्रेसर में जाने नहीं देता जब हमारा वीएसी यूनिट
ऑपरेशन में नहीं होता। जब हमारा VAC यूनिट ऑपरेशन में नहीं होगा तो ऐसे केस में हमारा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो बेसिकली कंप्रेसर में नहीं जाना चाहिए। जब हमारा VAC यूनिट ऑपरेशन में नहीं होगा तो ऐसे केस में जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो हमारे कंप्रेसर में नहीं जाना चाहिए, और यही रीज़न की वजह से हम लोग यूज़ करते हैं सोलेनॉइड वाल्व। तो जो सोलेनॉइड वाल्व है यहाँ पर ये मॉइस्चर इंडिकेटर एक्सपांशन वाल्व के बीच में लगा होता है, और ये जो सोलेनॉइड वाल्व है बेसिकली जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसे बेसिकली कंप्रेसर में जाने नहीं देता जब हमारा VAC यूनिट ऑपरेशन में नहीं होता है। अभी बात करते हैं ड्राई फिल्टर के बारे में। ड्राई फिल्टर के साथ हमने ये CO असाइन कर दिया है। यहाँ पर ये जो ड्राई फिल्टर होता है बेसिकली कंडेंसर कॉइल के आउटलेट पे लगा होता है, राइट। और यहाँ पर ये जो ड्राई फिल्टर होता है ये क्या करता है, रेफ्रिजरेंट फिल्ट्रेशन का काम करता है, रेफ्रिजरेंट में जो मॉइस्चर और जो कंटेनमेंट्स होते हैं उसे निकालने का काम करता है। तो जो ड्राई फिल्टर होता है मॉइस्चर और जो कंटेनमेंट्स होते हैं रेफ्रिजरेंट में उसे निकालने का काम करता है। और यहाँ पर ये जो ड्राई फिल्टर होता है कहाँ पर लगा होता है, जो कंडेंसर कॉइल का जो आउटलेट है वहाँ पर लगा होता है, लोकेटेड एट आउटलेट ऑफ कंडेंसर कॉइल, और ये बेसिकली हर एक लिक्विड लाइन में लगा होता है। ड्राई फिल्टर CO कंडेंसर कॉइल के आउटलेट में। अभी यहाँ पर ये रिसीवर CO ये भी कंडेंसर कॉइल के आउटलेट में। अब जो रिसीवर है ये भी बेसिकली कंडेंसर कॉइल के आउटलेट में लगा होता है। अब ये जो रिसीवर होता है क्या करता है, जो एक्सेस रेफ्रिजरेंट है उसे स्टोर करने का काम करता है जब हमारा VAC ऑपरेशन में नहीं होता, या फिर बोल सकते जब कूलिंग लोड कम होगा तो ऐसे केस में हमें ज़्यादा लिक्विड रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट नहीं करना है हमारे सिस्टम में, तो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसको हम लोग स्टोर करेंगे कहाँ पर, हमारे रिसीवर में। तो रिसीवर अगर हम लोग देखें कंडेंसर कॉइल के आउटलेट पे लगा होता है, और ये बेसिकली एक्सेस रेफ्रिजरेंट को स्टोर करने का काम करता है जब कूलिंग डिमांड कम होती है। अभी हम लोग बात करेंगे फ्रेश एयर डैम्पर के बारे में। अभी यहाँ पर ये फ्रेश एयर डैम्पर, इसे हम लोग डैम्पर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो एयर होती है उसे क्या कर देता है, डैम्प कर देता है। डैम्प कर देता है मतलब जो एयर का जो फ्लो होता है उसे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डीके कर रहा होता है, और यही रीज़न की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेश एयर डैम्पर। अभी जो फ्रेश एयर डैम्पर है इसे बेसिकली ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक यूनिट फ्रेश एयर डैम्पर, इसको एक और एक नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रिक यूनिट फ्रेश एयर डैम्पर। और ये बेसिकली एक्टिवेट होता है किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकल सर्वो मोटर के थ्रू। नॉर्मल ऑपरेशन के टाइम ये जो डैम्पर होते हैं ये अपनी ओपनिंग को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पैसेंजर्स, राइट। और यहाँ पर ये जो फ्रेश एयर डैम्पर है इसकी टोटल हमें कितनी पोजीशन मिलती है, फ्रेश एयर डैम्पर की हमें टोटल 5 पोजीशन मिलती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो फ्रेश एयर डैम्पर है इसे इलेक्ट्रिक यूनिट फ्रेश एयर डैम्पर भी बोला जाता है, और ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्वो मोटर से काम करती है। और यहाँ पर ये जो फ्रेश एयर डैम्पर है अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सकती है, इसकी टोटल 5 पोजीशन होती है, और यहाँ पर ये जो डैम्पर से ही अपने पोजीशन को एडजस्ट कर सकती है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पैसेंजर्स। नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैसा, नंबर ऑफ पैसेंजर्स के थ्रू डैम्पर की पोजीशन एडजस्ट होती है, तो इसके भी बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, तो जैसे हमने बात किया यहाँ पर ये जो फ्रेश एयर डैम्पर है, जो फ्रेश एयर डैम्पर है, फ्रेश एयर डैम्पर चेंजेस इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग, जो फ्रेश एयर डैम्पर है ये बेसिकली एयर को क्या करता है, डैम्प करता है, और अपनी जो पोजीशन है इसे चेंज कर रहा होता है विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ पैसेंजर इन ट्रेन, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये अपने पोजीशन को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू पैसेंजर्स लोडिंग। ये अपनी पोजीशन को क्यों चेंज करता है, ताकि जो फ्रेश एयर है उसे क्या क्या जा सके, डैम्प किया जा सके। अभी यहाँ पर ये फ्रेश एयर को हम लोग क्यों डैम्प कर रहे हैं, एनर्जी सेविंग पर्पज़ के लिए। जैसे कि मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है उसमें जो फ्रेश एयर डैम्पर है वो ओपन है, तो ऐसे केस में जो AC की जो हवा होगी वो बाहर की तरफ डिसिपेट हो जाएंगी, तो ऐसे केस में जो कूलिंग डिमांड होगी बढ़ जाएंगी। मतलब जब अंदर की ठंडी हवा जब बाहर की तरफ चले जाएंगी तो ऐसे केस में अंदर जो ठंडापन होगा वो क्या होने लगेगा, बराबर से मिलेगा नहीं, तो हमें और रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करना होगा, तो ऐसे केस में जो एनर्जी जो जाएंगी वो ज़्यादा होगी, राइट। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग हमारा पूरा जो ट्रेन का जो सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरीके से हम लोग उसे क्लोज करना चाहते हैं, और पूरी तरीके से क्लोज करने का रीज़न क्या, किस तरीके से करते हैं, फ्रेश एयर डैम्पर के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्रेश एयर डैम्पर है ये अपनी पोजीशन को क्या करता है, एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पैसेंजर। और ये फ्रेश एयर डैम्पर अपनी पोजीशन को इसलिए एडजस्ट करता है ताकि जो फ्रेश एयर है उसे रिड्यूस कर पाए, फ्रेश एयर को डैम्प कर पाए फॉर एनर्जी सेविंग पर्पस। अभी यहाँ पर ये जो फ्रेश एयर डैम्पर है इसकी टोटल 5 ऑपरेटिंग पोजीशन है। पहली जो पोजीशन है वो है नॉर्मली क्लोज्ड, राइट। पहली जो पोजीशन है वो है P1, दूसरी पोजीशन है P2, तीसरी है P3, चौथी है P4, फिर उसके बाद क्या है P5। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें P1 पोजीशन पर अगर हम लोग देखें ऐसे केस में जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा वो क्या होगा, नॉर्मली क्लोज होगा।
तो जब फ्रेश एयर डैम्पर पूरी तरीके से क्लोज्ड होगा, यहाँ पर ये फ्रेश एयर डैम्पर का अगर एक्चुअल अगर हम लोग यूज़ देखें ना, जो फ्रेश एयर डैम्पर होता है वो क्या करता है, हमारी पूरी ट्रेन की जो कोच है उसे पूरी तरीके से क्लोज्ड करने का काम करता है, और जो एसी की जो ठंडी हवा है उसे बाहर जाने नहीं देता, ताकि जो एनर्जी उसको हम लोग सेव कर पाए। एसी की बाहर हवा अगर बाहर चले जाएंगी ट्रेन के, तो ऐसे केस में अंदर जो ठंडक होगी वो कम हो जाएगी, और ऐसे केस में हमें ज़्यादा एसी चलाने पड़ेंगी, एनर्जी ज़्यादा जाएंगी। तो ये रीज़न की वजह से हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली फ्रेश एयर डैम्पर। तो फ्रेश एयर डैम्पर की कितनी पोजीशन है, 5 ऑपरेटिंग पोजीशन। तो पहली जो पोजीशन है वो है फ्रेश एयर डैम्पर की नॉर्मली क्लोज्ड पोजीशन। तो जब फ्रेश एयर डैम्पर पूरी तरीके से क्लोज होगा तो डिग्री ऑफ डैम्पर 0 डिग्री और नंबर ऑफ पैसेंजर 0 डिग्री हो गए। नंबर ऑफ पैसेंजर क्या हो गए, 0 हो गए, और जो वेट होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। तो जब फ्रेश एयर डैम्पर पूरी तरीके से क्लोज होता है तो डैम्पर की डिग्री 0 होती है, नंबर ऑफ पैसेंजर भी 0 होते हैं। जब नंबर ऑफ पैसेंजर 0 हो गए तो ऐसे केस में जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा वो क्या होगा, पूरी तरीके से क्लोज होगा, डिग्री ऑफ डैम्पर 0 डिग्री होगी। जब एंगल ऑफ फ्रेश एयर डैम्पर का जो एंगल है जब वो 40 डिग्री होगा, तो ऐसे केस में जो फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम होगा 1/4 होगा टोटल एयर का। तो जो फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होने वाला है, 1/4 होने वाला है किसका, टोटल एयर का। तो इसको कैसे याद रखें, फ्रेश एयर एंगल ऑफ फ्रेश एयर डैम्पर, यहाँ पर ये 40 डिग्री और यहाँ पर ये 1/4। तो जब फ्रेश एयर डैम्पर का एंगल 40 डिग्री होता है तो ऐसे केस में जो फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम होता है, फ्रेश एयर डैम्पर का एंगल जब 40 डिग्री होगा तो फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम होता है 1/4 होता है किसका, टोटल एयर का। और ऐसे केस में जो डैम्पर की जो डिग्री होती है 40 डिग्री और जो नंबर ऑफ पैसेंजर होते हैं कितने होते हैं, 50, और जो लोड वेट होता है कितना होता है, 3500 कितना होता है, 3500 राइट, कितना होता है, 3500 राइट। फिर उसके बाद तीसरा पोजीशन, जब एंगल ऑफ डैम्पर 60 डिग्री होगा तो ऐसे केस में जो फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 1/2 होगा किसका, टोटल फ्रेश एयर का राइट। हमें सिक्वेंशली जाना है, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, फिर 100 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ डैम्पर हमारा 60 डिग्री होगा तो ऐसे केस में जो फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम होगा, यहाँ पर हमने 1/4 कंसिडर किया तो इसका हाफ, तो जब एंगल ऑफ डैम्पर 60 डिग्री होगा तो ऐसे केस में फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो होगा हाफ ऑफ टोटल एयर वॉल्यूम राइट, हाफ ऑफ टोटल एयर, हम लोग हाफ ऑफ टोटल फ्रेश एयर हम लोग कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो होगा हाफ ऑफ टोटल फ्रेश एयर राइट। और ऐसे केस में ऑब्वियसली एंगल डिग्री ऑफ डैम्पर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। नंबर ऑफ पैसेंजर्स तभी कितने हो गए, जब हमारा एंगल डैम्पर का एंगल 40 डिग्री था तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हमारे थे 50, यहाँ पर 8 को हम लोग स्किप कर देते हैं। तो जब एंगल ऑफ डैम्पर हमारा 60 डिग्री होगा तो ऐसे केस में जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हो गए 100 ऐड कर देंगे, तो ऐसे केस में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पैसेंजर 150 डिग्री हो जाएंगे। नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हो जाएंगे, 150 डिग्री, और जो लोड वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 9000 राइट। पहले में लोड वेट कितना था, 3500 था राइट, फिर उसके बाद लोड वेट कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। ये सब पैरामीटर्स हमें याद रखना है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तीसरा चौथी पोजीशन, पहले में 0 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, जब एंगल ऑफ डैम्पर 75 डिग्री होगा तो फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 3/4 होगा किसका, टोटल फ्रेश एयर का। क्या होगा, 3/4 होगा किसका, टोटल फ्रेश एयर का। तो ये वैल्यू हमें पता होना चाहिए, ये तीसरा चौथी वाली जो पोजीशन है 75 में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है राइट। तो जो फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 3/4 होने वाला है किसका, टोटल फ्रेश एयर का। और डैम्पर की डिग्री कितनी होगी, 75 होगी राइट। और पैसेंजर्स कितने हो गए, 195 हो गए राइट। पहला यहाँ पर ये 150 थे, फिर उसके बाद पैसेंजर्स कितने हो जाएंगे, 195 हो जाएंगे। हम लोग 150 से 200 आ सकते थे, तो मान लेते 150 से 200 आया हमने और हमने 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें 195 पैसेंजर्स मिल जाएंगे राइट। तो जब एंगल ऑफ डैम्पर हमारा 75 डिग्री होगा तो ऐसे केस में जो फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 3/4 होगा टोटल एयर वॉल्यूम का। और डैम्पर एंगल होगा हमारा 75 डिग्री और जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स होंगे कितने होंगे, 195। और जो लोड वेट होगा कितना होगा, 11700 होगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, 12000 के। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अभी लास्ट में बात करते हैं, जब डैम्पर का एंगल हमारा 100 डिग्री होगा तो ऐसे केस में हमारा जो डैम्पर होगा वो क्या होगा, पूरी तरीके से ओपन होगा। जब एंगल ऑफ डैम्पर 0 डिग्री होता है, तो ऐसे केस में हमारा जो फ्रेश एयर डैम्पर होता है वो क्या होता है, पूरी तरीके से क्या होता है, क्लोज्ड होता है राइट।
जब एंगल ऑफ डैम्पर हमारा 0 डिग्री होगा तो ऐसे केस में फ्रेश एयर डैम्पर पूरी तरीके से 0 होगा। जब एंगल ऑफ डैम्पर हमारा 100 डिग्री होगा तो ऐसे केस में जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा कितना होगा, फुली ओपन होगा। यहाँ पर डैम्पर के एंगल कौन कौन से, 0 डिग्री है, 40 डिग्री है, 60 डिग्री है, 75 डिग्री है, फिर 100 डिग्री है। तो जब डैम्पर का एंगल 100 डिग्री होगा तो जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। डैम्पर का डिग्री होगा 100, नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने होंगे, 330 होंगे, और लोड वेट कितना होने वाला है, 20,000 होने वाला है, राइट। तो ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर, ये नंबर ऑफ पैसेंजर्स और ये लोड वेट, इसी में ही हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, राइट। तो यहाँ से ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, जब एंगल ऑफ डैम्पर 60 डिग्री होगा तो 40 डिग्री 60 डिग्री। तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, 60 डिग्री और पोजीशन 3, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 3 2 6, तो कुछ इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं 3 2 6, राइट। तो जब एंगल ऑफ डैम्पर 60 डिग्री होगा तो फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम होगा वो हाफ होगा किसका, टोटल फ्रेश एयर के। तो फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम होगा हाफ होगा टोटल फ्रेश एयर का। और जब एंगल ऑफ डैम्पर 100 डिग्री होगा तो ऐसे केस में फ्रेश एयर डैम्पर पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा, डैम्पर की डिग्री होगी 100, नंबर ऑफ पैसेंजर्स होगी 330 और लोड वेट होगा 20,000। तो जैसे हमने बात किया यहाँ पर, ये फ्रेश एयर डैम्पर के बारे में बात किया है, जो फ्रेश एयर डैम्पर होता है वो क्या करता है, फ्रेश एयर को डैम्प करता है। अब ये रिटर्न एयर डैम्पर, जो रिटर्न एयर डैम्पर होता है वो क्या करता है, रिटर्न एयर को क्या करता है, डैम्प करता है, राइट। यहाँ पर हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, जो हम लोग जो एसी जो चलाते हैं हमारी ट्रेन में, तो बाहर की हवा अंदर नहीं जाना चाहिए, अंदर की हवा बाहर नहीं जाना चाहिए। तो बाहर की हवा अंदर नहीं आना चाहिए, इसके लिए है फ्रेश एयर डैम्पर, अंदर की हवा बाहर नहीं जाना चाहिए तो इसके लिए रिटर्न एयर डैम्पर। तो यहाँ पर ये जो रिटर्न एयर डैम्पर है ये अपनी पोजीशन को क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। और इसकी जो पोजीशन का जो एडजस्टमेंट होगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्रेश एयर डैम्पर की पोजीशन के ऊपर। इट कैन एडजस्ट इट्स ओपनिंग अकॉर्डिंग टू फ्रेश एयर डैम्पर ओपनिंग, और इसकी जो ओपनिंग होती है फ्रेश एयर डैम्पर की ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इसके बाद हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर सेंसर के बारे में। इसके बाद अभी अगर हम लोग देखें अबाउट VAC यूनिट, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो VAC यूनिट है वो रूफ़ में इंस्टॉल की गई है, दोनों कार के, मोटर कार के और DT कार के दोनों के रूफ में इंस्टॉल की गई है VAC यूनिट। तो VAC यूनिट आर इंस्टॉल ऑन रूफ ऑफ बोथ AM कार एंड DT कार। तो जो VAC यूनिट है मोटर कार और DT कार दोनों के रूफ पे इंस्टॉल की गई है। और जो VAC यूनिट है, टोटल कितनी AC है, 10 AC है, 3 हमारी है बेसिकली DT1 में और 3 है DT2 में, 6 फिर 2 मोटर कार में और 2 M2 में, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जो VAC यूनिट है ये बेसिकली रूफ में इंस्टॉल की गई है मोटर कार के और DT कार के। जो VAC यूनिट है इसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी है, 14 टन्स है, जो कि है बेसिकली 49 किलोवाट। बहुत इंपॉर्टेंट है कूलिंग कैपेसिटी 14 टन्स, जो कि है 49 किलोवाट। जो VAC कैबिनेट है, अब यहाँ पर ये जो VAC यूनिट है इसे कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक कैबिनेट है जो कि है VAC कैबिनेट। अब जो VAC कैबिनेट है इसे बेसिकली इंस्टॉल किया गया सलोन एरिया में, DT कार और AM कार के सलोन एरिया में VAC यूनिट को क्या किया गया है, VAC कैबिनेट बेसिकली इंस्टॉल किया गया। कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, अगर VAC यूनिट को अगर हमें मैन्युअली कंट्रोल करना हो तो ऐसे कि इसमें कैबिनेट होता है जिसको बोलते हैं VAC कैबिनेट, जो कि हमारे सलोन में इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पर ये DT1 और M1 दोनों के राइट हैंड साइड में हमारा VAC कैबिनेट होता है, और फिर उसके बाद M2 और DT2 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में हमारा VAC कैबिनेट होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो VAC कैबिनेट होता है वो क्या करता है, जो VAC यूनिट होता है उसे कंट्रोल करता है। अब ये VAC कैबिनेट में क्या होता है, PLC होता है, और ये PLC में दो कंट्रोलर होते हैं, मास्टर कंट्रोलर होता है और स्लेव कंट्रोलर होता है। अब यहाँ पर ये जो मास्टर कंट्रोलर और जो स्लेव कंट्रोलर होता है TCMS के साथ कनेक्टेड होते हैं, काय के लिए कनेक्टेड होते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। अभी यहाँ पर ये जो VAC यूनिट है इसमें कुछ स्विच गियर्स भी लगे होते हैं, स्विच गियर्स जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, कॉन्टैक्टर हो गया, रिले हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, स्विचेस, टर्मिनल ब्लॉक्स, तो ये सब सारे है क्या, ये बेसिकली स्विच गियर है। तो ये जो VAC यूनिट है इसमें स्विच गियर भी लगे होते हैं, जैसे कि हमने बात किया ट्रांसफार्मर, कॉन्टैक्टर और रिले। कॉन्टैक्टर और रिले बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने बात किया था जो रिले उसको हम लोग 15 एम्पियर तक यूज़ करते हैं, उसके बाद कॉन्टैक्टर को यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो स्विच, जो VAC कैबिनेट है इसमें हम लोग स्विच गियर यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, कॉन्टैक्टर, रिले हो गया, सर्किट ब्रेकर, स्विचेस और टर्मिनल ब्लॉक्स, राइट। तो सर्किट ब्रेकर, रिले, कॉन्टैक्टर और ट्रांसफार्मर, ये हमें चार चीज़ पता होना चाहिए। अभी हम लोग बात करते हैं एयर टेम्परेचर के बारे में, एयर टेम्परेचर सेंसर। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एयर टेम्परेचर सेंसर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एयर टेम्परेचर सेंसर तीन टाइप का है, फ्रेश एयर सेंसर है, सलून रिटर्न एयर टेम्परेचर सेंसर है, सप्लाई एयर टेम्परेचर सेंसर है। फ्रेश एयर सेंसर क्या कहाँ पर लगा होता है, फ्रेश एयर डैम्पर की फ्रेम पे लगा होता है, जो कि फ्रेश एयर को क्या करता है, सेंस करता है। अब ये सलोन रिटर्न एयर टेम्परेचर सेंसर, सलोन रिटर्न एयर टेम्परेचर क्या कर, ये कहाँ लगा होता है, रिटर्न एयर डैम्पर फ्रेम पर लगा होता है। फ्रेश एयर सेंसर ये कहाँ पर लगा होता है, फ्रेश एयर जो डैम्पर है उसके फ्रेम पर लगा होता है, और ये क्या करता है, फ्रेश एयर को सेंस करता है और अकॉर्डिंगली जो डैम्पर की जो पोजीशन होती है वो वेरी कर रही होती है। सलोन रिटर्न एयर टेम्परेचर सेंसर ये बेसिकली रिटर्न एयर डैम्पर की फ्रेम पर लगा होता है। सप्लाई एयर टेम्परेचर सेंसर ये बेसिकली जो सप्लाई एयर जो फैन आउटलेट है वहाँ पर लगा होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टेम्परेचर सेंसर है, इसके थ्रू अलग अलग कूलिंग डिमांड को, ये टेम्परेचर सेंसर के थ्रू क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर को सेंस किया जाता है, और जो कूलिंग डिमांड है उसे कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक यूनिट के थ्रू। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल जो यूनिट है, ये बेसिकली बेस्ट टेम्परेचर ऑफर करती है अकॉर्डिंग टू कम्फर्टेबिलिटी ऑफ पैसेंजर। तो जैसे हमने बात किया जो टेम्परेचर सेंसर है, इसके थ्रू अलग अलग टेम्परेचर को सेंस किया जाता है और कूलिंग डिमांड को मॉनिटर किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के थ्रू। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है, बेस्ट सुइटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू कम्फर्टेबिलिटी ऑफ पैसेंजर। अभी बात करते हैं एमरजेंसी इन्वर्टर के बारे में। अभी यहाँ पर ये जो एमरजेंसी इन्वर्टर होता है, ये हमारे बेसिकली VAC कैबिनेट में लगा होता है। तो ये जो एमरजेंसी इन्वर्टर होता है, इसको हम लोग बेसिकली एक्टिवेट करते जब एमरजेंसी वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। वेंटिलेशन के टाइम कंप्रेसर कंडेंसर कुछ भी नहीं काम करता है। वेंटिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो एमरजेंसी जो वेंटिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एयर के फ्लो को अलाउ करते हैं हमारे सिस्टम में, हीट को निकाल देना, एयर को लेके आ जाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन। तो यहाँ पर ये एमरजेंसी इन्वर्टर को तभी हम लोग एक्टिवेट करते हैं जब एमरजेंसी वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर बेसिकली जैसे कि हमने बात किया, हमारा जो कैबिनेट होता है इसमें स्विच होते हैं जिसको रोटरी स्विच बोलते हैं। अब जो रोटरी स्विच होते हैं हमारे कैबिनेट में होते हैं, और ये जो रोटरी स्विच होते हैं इसमें कितने पोजीशंस होती है, 6 पोजीशंस होती है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें VAC कैबिनेट में 2 रोटरी स्विच होती है, जैसे हमने बात किया एमरजेंसी इन्वर्टर तभी यूज़ में आता है जब एमरजेंसी वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जो रोटरी स्विच होते हैं हमारे कैबिनेट में होते हैं और इसकी 6 पोजीशन होती है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें VAC कैबिनेट में 2 रोटरी स्विच होते हैं, एक जो स्विच है वो है S1 और दूसरा जो स्विच है वो है S2। अब ये जो S1 जो स्विच है, इसे बेसिकली मोड सेलेक्टर स्विच भी बोला जाता है। पहला जो स्विच है इसे मोड सेलेक्टर स्विच भी बोला जाता है, दूसरा जो स्विच है इसे टेम्परेचर सेलेक्टर स्विच भी बोला जाता है। पहला जो स्विच है इसे मोड सेलेक्टर स्विच S1 बोला जाता है, दूसरा जो स्विच है इसे टेम्परेचर सेलेक्टर स्विच S2 बोला जाता है। 2 रोटरी स्विच है S1 और S2। S1 जो स्विच है इसे बेसिकली मोड सेलेक्टर स्विच S1 बोला जाता है, S1 स्विच को मोड सेलेक्टर स्विच, S2 स्विच को टेम्परेचर सेलेक्टर स्विच, राइट। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें VAC कैबिनेट में बेसिकली एक कंट्रोलर भी लगा होता है जिसे बेसिकली फायर कंट्रोलर बोलते हैं। अब ये जो फायर कंट्रोलर होता है बेसिकली फायर सिग्नल भेजता है। जब फायर सिग्नल ज़ीरो होता है तो ऐसे केस में जो कंट्रोलर होता है वो सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उसे क्या कर देता है, ऑफ़ कर देता है। जब फायर सिग्नल ज़ीरो है इसका मतलब कोई फायर नहीं लगी है, राइट। और जब फायर नहीं लगी है तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें, जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ऑफ़ नहीं करता है, यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना है। जब फायर नहीं लगी होती है, आग नहीं लगी होगी, जब आग नहीं लगती है हमारी ट्रेन में, आग नहीं लगेंगी, तो ऐसे केस में जो फायर सिग्नल होगा वो ज़ीरो होगा। जब फायर सिग्नल हमारा ज़ीरो होगा तो ऐसे केस में जो कंट्रोलर है, जैसे हमने बात किया VAC कैबिनेट में 2 कंट्रोलर होते हैं, मास्टर स्लेव कंट्रोलर, राइट। तो यहाँ पर जब फायर सिग्नल ज़ीरो होता है तो ऐसे केस में जो कंट्रोलर होगा वो कोई भी जो कंपोनेंट है उसे टर्न ऑफ नहीं करेगा। जैसे कि डैम्पर भी ऑपरेशन में होगा, एवापोरेटर भी ऑपरेशन में होगा, कंडेंसर भी ऑपरेशन में होगा, मोटर ब्लोअर भी ऑपरेशन में होगा। जब हमारा फायर सिग्नल 1 है इसका मतलब फायर लग गई है। और वैसे ही जो मास्टर स्लेव कंट्रोलर होगा वो क्या भेजेगा, फायर सिग्नल वन सिग्नल भेजेगा किसको, हमारे सिस्टम को। और ऐसे केस में हमारे सारे जो डैम्पर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो रैपिडली क्लोज हो जाएंगे, और सारे जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो जल्दी से टर्न ऑफ हो जाएंगे। सिंपल वर्ड में जब फायर सिग्नल हमारा ज़ीरो होता है, फायर सिग्नल कौन भेजेगा, हमारा कंट्रोलर। जब फायर सिग्नल ज़ीरो होता है तो ऐसे केस में सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो ऑपरेशन में होते हैं। और जब फायर सिग्नल हमारा 1 होता है तो इसका मतलब आग लगी है, सारे कंपोनेंट्स हमारे ऑफ हो जाएंगे, और जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली रैपिडली क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें हार्ड वायर्ड सिग्नल, यहाँ पर ये जो हार्ड वायर्ड सिग्नल है बेसिकली DC 110 वोल्ट सिग्नल है।
हार्ड वायर्ड सिग्नल में हमें बेसिकली दो सिग्नल मिलते हैं, रिड्यूस लोड वन सिग्नल और रिड्यूस लोड टू सिग्नल। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिड्यूस लोड वन सिग्नल और ये रिड्यूस लोड टू सिग्नल, इसके क्या सिग्निफिकेंस है, ये अलग अलग सिग्नल्स के बारे में हम लोग बात करें, जैसे कि जो कि हमारा कंट्रोलर भेजता है। अब ये रिड्यूस लोड वन सिग्नल, ये जो रिड्यूस लोड वन सिग्नल है बेसिकली फोर कार कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ किया जाता है, और ये रिड्यूस लोड टू सिग्नल ये बेसिकली सिक्स कार कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ किया जाता है। अगर ये रिड्यूस लोड वन सिग्नल अगर वन होता है, तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें रिड्यूस लोड वन सिग्नल वन होता है, इसका मतलब रिड्यूस लोड वन सिग्नल ये क्या है, ऑन है। रिड्यूस लोड वन सिग्नल अगर वन होता है तो ऐसे केस में जो पहला वाला जो VAC होगा वो VAC मोड में काम करेगा नॉर्मल मोड में, और दूसरा पहला वाला जो VAC हो VAC मोड में काम करेगा, और दूसरा वाला जो VAC हो कौन से मोड में काम करेगा, नॉर्मल मोड में काम करेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिड्यूस लोड वन सिग्नल ये या तो वन होगा या तो जीरो होगा, ये कौन कंट्रोल करेगा, ये बेसिकली कंट्रोलर कंट्रोल करेगा, राइट। वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग मोड में काम करेगा रिड्यूस लोड वन सिग्नल, इससे हमने क्या समझा, जैसे कि हार्ड वायर सिग्नल ये एक तरीके का 110 वोल्ट DC सिग्नल है। हार्ड वायर सिग्नल में दो सिग्नल है, रिड्यूस लोड वन सिग्नल और रिड्यूस लोड टू सिग्नल। जब ये रिड्यूस लोड वन सिग्नल ये चार कार कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ किया जाता है, रिड्यूस लोड टू सिग्नल सिक्स कार कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ किया जाता है। जब ये रिड्यूस लोड वन सिग्नल हमारा वन होता है, तो ऐसे केस में जो फर्स्ट VAC हो बेसिकली वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग मोड में काम करता है, दूसरा जो VAC बेसिकली नॉर्मल मोड में काम करता है। रिड्यूस लोड टू सिग्नल, ये रिड्यूस लोड टू सिग्नल ये बेसिकली सिक्स कार कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ किया जाता है, और जब ये रिड्यूस लोड टू सिग्नल हमारा वन होता है, राइट, तो ऐसे केस में सारे जो VAC है सलून के वो वेंटिलेशन मोड में जाएंगे, मगर जो फर्स्ट VAC होगा वेंटिलेशन में होगा, और जो सेकेंड मतलब सारे के सारे जो VAC हो गए क्या हो गए, वो वेंटिलेशन मोड में चले जाएंगे। मतलब यहाँ से हमने मोटे मोटे तौर पर क्या समझा, हार्ड वायर सिग्नल ये एक तरीके का DC 110 वोल्ट सिग्नल है। हार्ड वायर सिग्नल में दो सिग्नल है, रिड्यूस लोड वन सिग्नल, रिड्यूस लोड टू सिग्नल। अब यहाँ पर जब ये रिड्यूस लोड वन सिग्नल हमारा वन होता है, जब रिड्यूस लोड वन सिग्नल हमारा वन होता है, तो पहला जो VAC है वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग मोड में काम करता है, दूसरा जो VAC है हमारा नॉर्मल मोड में काम करता है। रिड्यूस लोड टू सिग्नल ये बेसिकली सिक्स कार कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ किया जाता है, और जब ये रिड्यूस लोड टू सिग्नल इसकी जब वैल्यू जब वन होगी, तो ऐसे केस में होगा क्या, सारे के सारे जो VAC हो गए फर्स्ट VAC सेकेंड VAC सारे जो VAC हो गए वो वेंटिलेशन मोड में चले जाएंगे। अभी अगर हम लोग देखें जो VAC है वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम VAC यूनिट, इसको हम लोग दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो हम लोग बेसिकली कैबिनेट लगा होता है जो कि सलून कार में लगा होता है, और दूसरा हम लोग कैबिनेट के थ्रू हम लोग ये VAC पैनल को ऑपरेट कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग TCMS के थ्रू ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जो VAC पैनल है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया HVAC कंट्रोल फ्रॉम TCMS, राइट, जस्ट होल्ड ऑन फॉर सम टाइम। हाँ, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें HVAC कंट्रोल फ्रॉम TCMS, जैसे हमने बात किया जो VAC पैनल है उसको हम लोग दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, एक TCMS के थ्रू और एक हमारा कैबिनेट के थ्रू। तो यहाँ पर ये VAC को हम लोग कंट्रोल करेंगे TCMS के थ्रू। तो जब हम लोग VAC पैनल को TCMS के थ्रू कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे केस में हमें कुछ मोड्स मिलते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक मोड मिलता है, मैनुअल मोड मिलता है, यहाँ पर ये कूलिंग मोड टू मिलता है, कूलिंग मोड वन मिलता है, फिर वेंटिलेशन मोड मिलता है, फिर उसके बाद स्टॉप मोड मिलता है, राइट। यहाँ पर ही अगर हम लोग देखें ऑटोमेटिक मोड में क्या होता है, सारे जो VAC होते हैं वो ऑटोमेटिकली काम रन करते ऑटोमेटिकली काम करते हैं, और जो टारगेटेड टेम्परेचर है वो भी ऑटोमेटिकली अचीव होता है। मैनुअल मोड में सारे जो VAC वो ऑटोमेटिकली काम करेंगे, मगर जो टारगेटेड जो टेम्परेचर है उसको हम लोग अचीव करते कैसा, मैनुअली। VAC का ऑपरेशन होगा ऑटोमेटिकली, मगर जो टारगेटेड जो टेम्परेचर होगा उसको हम लोग बेसिकली मैनुअली अचीव करेंगे, किसके थ्रू, बटन्स के थ्रू। फिर उसके बाद कूलिंग मोड टू, कूलिंग मोड टू में अगर हम लोग देखें सारे जो VAC यूनिट हो गए वो ऑल VAC यूनिट रन्स इन फुल कैपेसिटी रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर। सारे जो VAC यूनिट हो गए बेसिकली अपने फुल कैपेसिटी, फुल कूलिंग कैपेसिटी के काम करेंगे इररिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कूलिंग लोड वन, कूलिंग मोड वन, कूलिंग मोड वन में क्या होगा, सारे जो VAC हो गए वो अपने हाफ कैपेसिटी से, हाफ कूलिंग कैपेसिटी से काम करेंगे। वेंटिलेशन मोड में सारे जो VAC हो गए वो वेंटिलेशन मोड में काम करेंगे। स्टॉप मोड में होगा क्या, सारे जो VAC हो गए वो क्या हो जाएंगे, वो स्टॉप हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या समझा, जो VAC उसको हम लोग कैबिनेट के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं और TCMS के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। जब TCMS के थ्रू कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिक मोड होगा, मैनुअल मोड होगा, कूलिंग मोड वन होगा, कूलिंग मोड टू होगा, वेंटिलेशन मोड होगा, स्टॉप मोड होगा,
ऑटोमेटिक मोड में सारे जो VAC होगी ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेंगे और जो टारगेटेड जो टेम्परेचर होगा वो भी बेसिकली ऑटोमेटिकली अचीव होगा। मैनुअल मोड में सारे जो VAC होगी वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होगे और जो टारगेटेड जो टेम्परेचर होगा उसको हम लोग मैनुअली अचीव करेंगे बटन्स के थ्रू। फिर उसके बाद कूलिंग मोड 2 और कूलिंग मोड 1। कूलिंग मोड 1 में होगा क्या, सारे जो VAC होगे पहला हाफ फिर फुल। कूलिंग मोड 1 में जो VAC पैनल्स है सारे जो VAC है वो अपने हाफ कूलिंग कैपेसिटी से काम करेंगे। कूलिंग मोड 2 में सारे जो VAC पैनल है वो अपने फुल कूलिंग कैपेसिटी से काम करेंगे रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर। वेंटिलेशन मोड में सारे जो VAC होगी वो वेंटिलेशन में चले जाएंगे और स्टॉप मोड में अगर हम लोग देखें जो VAC पैनल है वो स्टॉप हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें VAC इन नॉर्मल वर्किंग मोड, टू वेज आर देयर टू कंट्रोल VAC इन नॉर्मल वर्किंग मोड, सेंट्रल कंट्रोल मोड और लोकल कंट्रोल मोड। सेंट्रल कंट्रोल मोड और फिर उसके बाद लोकल कंट्रोल मोड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आता है VAC के नॉर्म वर्किंग के बारे में बताओ। यहाँ पर जो VAC है उसको हम लोग बेसिकली नॉर्मल वर्किंग मोड में, VAC के बेसिकली दो वर्किंग मोड होते हैं। पहला जो वर्किंग मोड होता है वो हमारा होता है सेंट्रल कंट्रोल मोड और दूसरा जो मोड होता है जैसे कि हमने बात किया जो VAC है इसके दो वर्किंग मोड है। पहला जो मोड है वो है सेंट्रल कंट्रोल मोड और दूसरा जो मोड है वो है लोकल कंट्रोल मोड। अब ये सेंट्रल कंट्रोल मोड में जो VAC है उसको हम लोग किसके थ्रू ऑपरेट करते हैं, TCMS के थ्रू ऑपरेट करते हैं। और जैसे हमने बात किया जब TCMS के थ्रू हम लोग ऑपरेट करेंगे तो ऐसे केस में हमें बेसिकली 6 अलग अलग मोड मिलेंगे, ऑटोमेटिक मोड, मैनुअल मोड, कूलिंग लोड, कूलिंग मोड 2, कूलिंग मोड 1, फिर उसके बाद वेंटिलेशन मोड और स्टॉप मोड। फिर उसके बाद हम लोग लोकल कंट्रोल मोड होता है। लोकल कंट्रोल मोड में हम लोग क्या करते हैं जो VAC पैनल है उसको हम लोग कैबिनेट के थ्रू ऑपरेट करते हैं, राइट। तो सेंट्रल कंट्रोल मोड में जैसे हमने बात किया जो VAC है उसका जो वर्किंग मोड है दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है, सेंट्रल कंट्रोल मोड है और दूसरा है लोकल कंट्रोल मोड। सेंट्रल कंट्रोल मोड में जो VAC पैनल है उसको हम लोग ऑपरेट करते हैं विद दी हेल्प ऑफ TCMS और लोकल कंट्रोल मोड में जो VAC पैनल है उसको हम लोग बेसिकली ऑपरेट करते हैं विद दी हेल्प ऑफ कैबिनेट सिलेक्टर स्विच के थ्रू। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेंट्रल कंट्रोल मोड जैसे हमने बात किया इसमें जो TCMS ये सेंट्रल कंट्रोल मोड में जो TCMS होता है वो क्या करता है पूरे VAC यूनिट को क्या करता है कंट्रोल करता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब हम लोग सेंट्रल कंट्रोल मोड पर ऑपरेट कर रहे हैं तो इसका मतलब जो TCMS होगा वो हमारे कंसिडरेशन में होगा, TCMS पूरे VAC को क्या करेगा कंट्रोल करेगा। और ऐसे केस में जो मोड सिलेक्टर स्विच है वो कौन से पोजीशन पे होना चाहिए, TCMS पोजीशन पे होना चाहिए। तो जो मोड सिलेक्टर स्विच है वो कौन से पोजीशन पे होना चाहिए, TCMS पोजीशन पे होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है हमारा लोकल कंट्रोल मोड। लोकल कंट्रोल मोड में अगर हम लोग देखें जो VAC यूनिट होगी उसको हम लोग लोकली ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब लोकली ऑपरेट कर सकते हैं मतलब कैबिनेट के थ्रू। और ऐसे केस में जो मोड सिलेक्टर स्विच होगा वो लोकल मोड पे होगा। तो जब हमारा नॉर्मल जब हमारा VAC पैनल सेंट्रल कंट्रोल मोड के थ्रू ऑपरेट होगा तो ऐसे केस में हमारा सिलेक्टर स्विच TCMS मोड पे होना चाहिए, सेंट्रल कंट्रोल मोड मतलब TCMS और लोकल कंट्रोल मोड मतलब कैबिनेट। तो जो मोड सिलेक्टर स्विच होगा वो लोकल मोड पे होगा जब हम लोग VAC को लोकल कंट्रोल मोड के थ्रू ऑपरेट करेंगे। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिड्यूस लेवल लोड मोड, रिड्यूस लेवल लोड मोड, यहाँ से हमने क्या समझा दो तरीके के मोड है, सेंट्रल कंट्रोल मोड, लोकल कंट्रोल मोड। सेंट्रल कंट्रोल मोड में TCMS के थ्रू हम लोग ऑपरेट करेंगे और ऐसे केस में जो सिलेक्टर स्विच है वो TCMS मोड पे रहेगा, TCMS पोजीशन पे होगा। और लोकल कंट्रोल मोड में कैबिनेट के थ्रू हम लोग बेसिकली ऑपरेट करेंगे VAC पैनल को और ऐसे केस में हमारा जो मोड सिलेक्टर स्विच होगा वो बेसिकली लोकल मोड पे होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिड्यूस लेवल लोड मोड, अब ये रिड्यूस लेवल लोड मोड में होता क्या है, इन दिस मोड रिड्यूस एक और एक मोड होता है जिसे बोला जाता है रिड्यूस लेवल लोड मोड। रिड्यूस लेवल लोड मोड में अगर हम लोग देखें जब कोई भी एक SIV फेल हो जाता है देन दूसरा जो SIV होता है वो क्या करता है VAC यूनिट को क्या करता है फीड करता है। एमरजेंसी वेंटिलेशन मोड, फिर उसके बाद फायर मोड, यहाँ पर अलग अलग मोड के बारे में हम लोग बात करेंगे, रिड्यूस लेवल मोड, फिर उसके बाद एमरजेंसी वेंटिलेशन मोड, राइट। तो ये कुछ एक्सेप्शनल मोड है, रिड्यूस लेवल मोड हो गया, एमरजेंसी वेंटिलेशन मोड हो गया। जो VAC का जो नॉर्मल वर्किंग मोड है वो कौन सा है, हमारा सेंट्रल कंट्रोल मोड, लोकल कंट्रोल मोड। सेंट्रल कंट्रोल में TCMS, लोकल में हमारा हो जाएगा कैबिनेट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें फिर उसके बाद रिड्यूस लेवल लोड मोड, अब ये रिड्यूस लेवल लोड मोड में अगर हम लोग देखें क्या होता है जब कोई भी एक SIV अगर फेल हो जाता है तो ऐसे केस में दूसरा जो SIV होता है वो क्या करता है VAC यूनिट को क्या करता है फीड करता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रिड्यूस लेवल लोड मोड। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें एमरजेंसी वेंटिलेशन मोड, अगर दोनों SIV अगर फेल हो जाते हैं तो ऐसे केस में जो VAC जो यूनिट होता है एमरजेंसी वेंटिलेशन मोड में काम करता है, राइट। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें रिड्यूस लेवल लोड मोड में क्या होता है जब कोई एक SIV फेल हो जाएगा और दूसरा SIV चल रहा होगा तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें ये कौन सा मोड हो जाएगा, हमारा रिड्यूस लेवल लोड मोड हो जाएगा, राइट। और एमरजेंसी वेंटिलेशन मोड में क्या होगा जब दोनों SIV हमारे फेल हो जाते हैं, एमरजेंसी वेंटिलेशन मोड ये तब आता है जब दोनों SIV हमारे फेल हो जाते हैं
तो ऐसे केस में हमारा जो VAC पैनल होता है बेसिकली वेंटिलेशन मोड में काम कर रहा होता है, और ये जो वेंटिलेशन मोड होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं एमरजेंसी वेंटिलेशन मोड। फायर मोड, फायर मोड में अगर हम लोग देखें सारे जो कंपोनेंट्स होंगे VAC पैनल के वो क्या हो जाएंगे, इमिडिएटली स्टॉप हो जाएंगे, और जो डैम्पर्स होगा वो जल्दी से क्लोज हो जाएंगे, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं फायर मोड। तो फायर मोड ये एक ऐसा मोड होता है जिसमें पूरा जो VAC जो होते हैं, VAC के जो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, ये क्या हो जाते हैं पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं ऑफ हो जाते हैं, और हमारे जो डैम्पर्स है पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं क्लोज हो जाते हैं फायर मोड में, और फायर मोड में जो फायर सिग्नल होगा वो क्या होगा वन होगा। फिर उसके बाद VAC आइसोलेशन स्विच, वी एक स्विच होता है जिसे बोला जाता है VAC आइसोलेशन स्विच फायर के, जब आग वाग लग जाती है तो ऐसे केस में जो पायलट होता है वो क्या करता है स्विच को एक्टिवेट कर देता है, जिसके वजह से होता क्या है आग लगेगी तो पायलट ये जो स्विच होगा VAC आइसोलेशन इसे क्या कर देगा एक्टिवेट कर देगा, और आग लगी है तो फायर सिग्नल वन, सारे जो कंपोनेंट्स हो गए काम करना बंद कर देंगे, और जो डैम्पर्स हो गए जल्दी से क्लोज हो जाएंगे ताकि जो आग है वो आगे स्प्रेड ना हो। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सेंट्रल कंट्रोल मोड और लोकल कंट्रोल मोड, सेंट्रल कंट्रोल मोड TCMS के थ्रू, लोकल कंट्रोल मोड कैबिनेट के थ्रू, राइट। तो सेंट्रल कंट्रोल मोड अगेन हमें सेंट्रल कंट्रोल मोड में ऑटोमेटिक मोड है, सेंट्रल कंट्रोल मोड में हमारे पास मैनुअल मोड है, फिर सेंट्रल कंट्रोल मोड कूलिंग लोड कूलिंग मोड टू, फिर सेंट्रल कंट्रोल मोड कूलिंग मोड वन जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फिर सेम लोकल कंट्रोल मोड में भी। तभी हम लोग आगे बात करने वाले, जैसे कि हमने बात किया था हमारे VAC में, VAC को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास दो मोड होते हैं, पहला जो मोड है वो है सेंट्रल कंट्रोल मोड, दूसरा जो मोड है वो है लोकल कंट्रोल मोड। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेंट्रल कंट्रोल मोड में जो VAC उसको हम लोग ऑपरेट करते हैं विद दी हेल्प ऑफ TCMS, और लोकल कंट्रोल मोड में जो VAC उसको हम लोग बेसिकली ऑपरेट करते हैं विद दी हेल्प ऑफ कैबिनेट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेंट्रल कंट्रोल मोड, इन दिस मोड सेंट्रल कंट्रोल मोड में भी अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया सेंट्रल कंट्रोल मोड में TCMS के थ्रू हम लोग ऑपरेट करेंगे VAC को, और लोकल कंट्रोल मोड में हम लोग जो VAC उसको हम लोग कैबिनेट के थ्रू ऑपरेट करेंगे। तो जब हम लोग TCMS के थ्रू VAC पैनल को ऑपरेट करेंगे जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सेंट्रल कंट्रोल मोड, तो उसमें भी हमें अलग अलग मोड मिलते हैं, जैसे कि हमने बात किया था ऑटोमेटिक मोड मिलता है, मैनुअल मोड मिलता है, कूलिंग मोड टू मिलता है, कूलिंग मोड वन मिलता है, वेंटिलेशन मोड मिलता है, स्टॉप मोड मिलता है। तो सेम चीज़ अगर हम लोग देखें यहाँ पर भी है, तो जब हम लोग VAC को सेंट्रल कंट्रोल मोड पर ऑपरेट करेंगे मतलब TCMS के थ्रू ऑपरेट करेंगे तो हमें अलग अलग मोड मिलेगा, जैसे कि सेंट्रल कंट्रोल मोड ऑटो, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें सेंट्रल कंट्रोल मोड या फिर सेंट्रल कूलिंग मोड मैनुअल, फिर उसके बाद सेंट्रल कंट्रोल मोड कूलिंग मोड टू, फिर उसके बाद सेंट्रल कंट्रोल मोड कूलिंग मोड वन, राइट, फिर उसके बाद सेंट्रल कंट्रोल मोड स्टॉप, सेंट्रल कंट्रोल मोड वेंट, तो कुछ इस तरीके से हमें अलग अलग मोड मिलेगा। तो सबसे पहला बात करते हैं सेंट्रल कंट्रोल मोड ऑटो के बारे में। तो सेंट्रल कंट्रोल मोड ऑटो, तो इसमें क्या होगा सेंट्रल कंट्रोल मोड ऑटो में बेसिकली क्या होगा, जो VAC पैनल होगा वो क्या होगा, वो बेसिकली ऑटोमेटिकली ऑपरेट होगा विद द हेल्प ऑफ TCMS। तो इन दिस मोड AC रन्स अकॉर्डिंग टू ऑटो कूलिंग कर्व, राइट। जो AC होगी वो बेसिकली ऑटोमेटिकली काम करेगी जब हम लोग सेंट्रल कंट्रोल मोड में ऑटो मोड सिलेक्ट करेंगे, तो ऐसे केस में हमारी जो VAC होगी बेसिकली ऑटोमेटिकली काम करेगी अकॉर्डिंग टू ऑटो कूलिंग कर्व, और जो टारगेटेड टेम्परेचर होगा वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू, अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर ये जो दिया है इसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रल कंट्रोल मोड में भी हमें अलग अलग मोड मिलता है, ऑटो मोड मिलता है, मैनुअल मोड मिलता है, फिर उसके बाद कूलिंग मोड टू मिलता है, कूलिंग मोड वन मिलता है, फिर उसके बाद स्टॉप मोड मिलता है। तो जैसे हमने बात किया सेंट्रल कंट्रोल मोड ऑटो, इसमें होगा कि हमारा जो TCMS होगा हमारा जो VAC पैनल होगा कैसे ऑपरेट करेगा, ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेगा, और जो AC होगा वो बेसिकली ऑटो कूलिंग कर्व को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। फिर उसके बाद सेंट्रल कूलिंग मोड मैनुअल, राइट। तो यहाँ पर ये मैनुअल मोड में होगा क्या, जो AC होगा वो बेसिकली मैनुअल मोड में ऑपरेट होगा, जैसे मतलब जो AC होगा VAC पैनल उसको हम लोग कैसे ऑपरेट करेंगे मैनुअली ऑपरेट करेंगे, और जो टारगेटेड जो टेम्परेचर होगा वो चेंज होगा बाय TCMS बस सिग्नल, और जो सिग्नल का जो नाम है वो क्या है, वो है बेसिकली कूलिंग टेम्परेचर सेट पॉइंट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे हमने बात किया सेंट्रल कंट्रोल मोड ऑटो जैसे हमने बात किया था ये वाले मोड में जो AC होगा बेसिकली ऑटोमेटिकली रन करेगा, AC जो है वो बेसिकली ऑटोमेटिकली रन करेगा अकॉर्डिंग टू ऑटो कूलिंग कर्व, और जो टारगेटेड टेम्परेचर होगा वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू दिस सिग्नल EN147501।
फिर उसके बाद जैसे हमने बात किया सेंट्रल कंट्रोल, सेंट्रल कूलिंग मोड मैनुअल, तो सेंट्रल कूलिंग मोड मैनुअल इसमें होगा क्या, सेंट्रल मोड मैनुअल इसमें जो एसी होगा बेसिकली हमारा मैनुअली ऑपरेट होगा, और जो टारगेटेड टेम्परेचर होगा उसको हम लोग बेसिकली चेंज कर सकते हैं TCMS के थ्रू, और कौन सा सिग्नल देखें, कूलिंग टेम्परेचर सेट पॉइंट सिग्नल देखें, और जैसे हमने बात किया जो एसी होगा वो अकॉर्डिंगली ऑटो कूलिंग कर्व काम करेगा। सेंट्रल कंट्रोल मोड ऑटो, इसमें भी जो एसी ऑटो कूलिंग कर्व के तो अकॉर्डिंगली काम कर रहा था, सेंट्रल कंट्रोल मोड मैनुअल इसमें भी जो एसी है ऑटो कूलिंग कर्व के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें सेंट्रल कंट्रोल मोड कूलिंग मोड टू, तो सेंट्रल कंट्रोल मोड कूलिंग मोड टू, तो सबसे पहले सेंट्रल कंट्रोल मोड कूलिंग मोड टू इसको स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं सेंट्रल कंट्रोल मोड कूलिंग मोड वन, तो सेंट्रल कंट्रोल मोड कूलिंग मोड वन में होगा क्या, जो VAC है वो अपने हाफ कूलिंग कैपेसिटी से काम करेगा, और ऐसे केस में एक जो कंप्रेसर होगा वो ऑन होगा बाकी ऑफ होगा रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर। फिर सेंट्रल कंट्रोल मोड कूलिंग मोड टू, इसमें जो AC है वो अपनी फुल कूलिंग कैपेसिटी के साथ काम करेगा, और दोनों जो कंप्रेसर होंगे वो क्या होंगे, वो ऑन स्टेट में होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेंट्रल कंट्रोल मोड स्टॉप, तो सेंट्रल कंट्रोल मोड स्टॉप इसमें बेसिकली होगा क्या, सारे जो VAC जो पैनल होगा वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पर ये सेंट्रल कंट्रोल मोड ऑटो, तो सेंट्रल कंट्रोल मोड ऑटो इसमें होगा क्या, सारी जो AC हो बेसिकली ऑटोमेटिकली काम करेगी और ऑटो कूलिंग कर्व के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, और जो टारगेटेड टेम्परेचर होगा वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू दिस सिग्नल। फिर उसके बाद सेंट्रल कंट्रोल मोड मैनुअल, सेंट्रल कंट्रोल मोड मैनुअल इसमें होगा क्या, जो AC होगा वो बेसिकली मैनुअली ऑपरेट होगा, और जो टारगेटेड टेम्परेचर होगा उसको हम लोग चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिग्नल जो कि है कूलिंग टेम्परेचर सेट पॉइंट सिग्नल, और जो इसमें भी जो AC है वो अकॉर्डिंग टू ऑटो कूलिंग कर्व काम करेगा। फिर उसके बाद हमने बात किया सेंट्रल कंट्रोल मोड कूलिंग मोड टू, सेंट्रल कंट्रोल मोड कूलिंग मोड टू में होगा क्या, जो बेसिकली जो AC है वो अपने फुल कैपेसिटी के साथ काम करेगा, फुल कूलिंग कैपेसिटी के साथ, और जब फुल कूलिंग कैपेसिटी के साथ काम करेगा तो दोनों जो कंप्रेसर हो गए वो कैसे हो गए, दोनों जो कंप्रेसर है बेसिकली ऑन हो गए। फिर उसके बाद है हमारे पास सेंट्रल कूलिंग मोड, सेंट्रल कूलिंग मोड वन, अब यहाँ पर ये सेंट्रल कूलिंग मोड वन में होगा क्या, दोनों जो VAC वो बेसिकली अपने हाफ कूलिंग कैपेसिटी के साथ काम करेंगे रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर, और ऐसे केस में एक कंप्रेसर ऑन होगा। फिर उसके बाद सेंट्रल कंट्रोल मोड स्टॉप, ये वाले मोड में सारे जो VAC पैनल होगी वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें हमारे पास है लोकल मोड, लोकल कंट्रोल मोड, तो लोकल कंट्रोल मोड ऑटो में क्या होगा, लोकल कंट्रोल मोड ऑटो में जो VAC होगा ऑटोमेटिकली काम करेगा अकॉर्डिंग टू ऑटो कूलिंग कर्व, और जो टारगेटेड टेम्परेचर है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं एज़ पर दी वैल्यू ऑफ S2, मतलब जो S2 जो स्विच है, S2 जो स्विच है सिलेक्टर स्विच को मतलब ऑपरेट करते हुए जो टारगेटेड टेम्परेचर है, सिलेक्टर स्विच S2 उसको ऑपरेट करते हुए जो टारगेटेड टेम्परेचर है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जैसे हमने बात किया लोकल कंट्रोल, लोकल मोड ऑटो, लोकल मोड ऑटो इसमें हमने क्या बात किया, जो VAC होगा वो ऑटोमेटिकली काम करेगा लोकल कंट्रोल मोड में अकॉर्डिंग टू ऑटो कूलिंग कर्व, और जो टारगेटेड टेम्परेचर है उसको हम लोग बेसिकली वेरी कर सकते हैं ये जो S2 जो सिलेक्टर स्विच है उसकी पोजीशन को वेरी करते हुए। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें लोकल कंट्रोल मोड कूलिंग मोड टू, लोकल कंट्रोल मोड कूलिंग मोड टू में होगा क्या, जो AC होगा कूलिंग मोड टू में, जो AC अपनी फुल कैपेसिटी पर काम करता है फुल कूलिंग कैपेसिटी पर, और कूलिंग मोड वन पर जो AC अपनी हाफ कूलिंग कैपेसिटी पर काम करता है, और जब हाफ कूलिंग कैपेसिटी पर काम करता है तो ऐसे केस में एक कंप्रेसर ऑन होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें लोकल कंट्रोल मोड कूलिंग मोड टू, लोकल कंट्रोल मोड कूलिंग मोड टू में होगा क्या, जो VAC अपनी फुल कूलिंग कैपेसिटी के साथ काम करेगा, और दोनों जो कंप्रेसर हो गए वो ऑन हो गए रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फिर उसके बाद लोकल कंट्रोल मोड कूलिंग मोड वन, लोकल कंट्रोल मोड कूलिंग मोड वन में होगा क्या, जो VAC अपनी हाफ कूलिंग कैपेसिटी के साथ काम करेगा, और एक जो कंप्रेसर होगा वो ऑन होगा इर रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कूलिंग मोड वन में हाफ कूलिंग कैपेसिटी, एक टेम्परेचर ऑन, एक कंप्रेसर ऑन, और कूलिंग मोड टू में फुल कूलिंग कैपेसिटी के साथ काम करेंगे VAC पैनल, और दोनों जो कंप्रेसर होंगे वो ऑन होंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें लोकल मोड में हमारे पास है वेंटिलेशन मोड, लोकल मोड में वेंटिलेशन मोड में होगा क्या, जो इवेपोरेटर जो फैन मोटर होगा वो ऑन होगा रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर। फिर उसके बाद लोकल कंट्रोल मोड स्टॉप, सारे जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो लोकल कंट्रोल मोड वेंटिलेशन में जैसे हमने बात किया जो इवेपोरेटर फैन का जो मोटर होगा वो ऑन होगा इररिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर वेंटिलेशन में। और लोकल कंट्रोल मोड में वेंटिलेशन में जो इवेपोरेटर का जो फैन होता है, इवेपोरेटर फैन, वो ऑन होता है रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर, ये हमें पता होना चाहिए। और वेंटिलेशन मोड में होता क्या, वेंटिलेशन मोड में हमारे VAC पैनल में जो इवेपोरेटर फैन होता है वो काम करता है, हीट को निकालता है और एयर को मतलब सर्कुलेट करता है, कूल एयर को। लोकल कंट्रोल मोड में स्टॉप है, लोकल कंट्रोल मोड स्टॉप सिग्नल, सारे जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तभी हम लोग बात करने वाले अलग अलग सिग्नल के बारे में, इनपुट सिग्नल के बारे में, जो कि बेसिकली हम लोग एमरजेंसी इन्वर्टर को देंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनपुट सिग्नल टू एमरजेंसी इन्वर्टर, तो
तो जब हम लोग DC 110 वोल्ट इनपुट सिग्नल देंगे एमरजेंसी इन्वर्टर को, अब ये DC 110 वोल्ट कहाँ से आएगा, ये बेसिकली बैटरी से आएगा। तो जब हम लोग DC 110 वोल्ट इनपुट सिग्नल देंगे एमरजेंसी इन्वर्टर को, तो ऐसे कि इसमें जो एमरजेंसी इन्वर्टर होगा वो क्या हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा। फिर जब हम लोग एमरजेंसी 3-phase सिग्नल देंगे एमरजेंसी इन्वर्टर को, तो ऐसे कि इसमें जो एवोपरेटर फ़ैन होगा, इवेपोरेटर फ़ैन, वो ऑपरेट होने लगेगा। फिर उसके बाद हम लोग बेसिकली देंगे एमरजेंसी वेंटिलेशन सिग्नल। अब ये जो एमरजेंसी वेंटिलेशन सिग्नल है, ये बेसिकली एमरजेंसी इन्वर्टर से VAC कैबिनेट में जाएगा, और जो VAC कैबिनेट होगा बेसिकली तभी नॉर्मली ऑन होगा। तो एमरजेंसी वेंट सिग्नल ये बेसिकली एमरजेंसी इन्वर्टर से VAC कैबिनेट में जाएगा। तो जब एमरजेंसी वेंट सिग्नल जाएगा, तो ऐसे केस में जो एमरजेंसी वेंटिलेशन कॉन्टैक्टर है K12 और K22, ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो जो एमरजेंसी वेंटिलेशन कॉन्टैक्टर है वो कौन से, वो बेसिकली K12 और K22। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो एमरजेंसी वेंटिलेशन कॉन्टैक्टर है वो कौन से होते हैं। तो यहाँ पर ये K12 K22 ये है क्या, ये है एमरजेंसी वेंटिलेशन कॉन्टैक्टर। फिर उसके बाद जो BK3 कंट्रोलर होगा लिब्रर का, वो बेसिकली इन्वर्टर के स्टेटस को रिकॉर्ड करेगा, और जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा उसे ओपन कर देगा, और जो रिटर्न एयर डैम्पर होगा उसे क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। फिर उसके बाद जो IDC 1000 कंट्रोलर है, IDC 1000 कंट्रोलर किसका, हैलाइट का, ये बेसिकली इन्वर्टर के स्टेटस को रिकॉर्ड करेगा, और अगेन जो फ्रेश एयर डैम्पर को ओपन कर देगा, और जो रिटर्न एयर डैम्पर है उसे क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। तो यहाँ से हमने क्या समझा, एमरजेंसी वेंटिलेशन सिग्नल, जब हम लोग ये एमरजेंसी वेंटिलेशन सिग्नल देंगे, तो ऐसे कि इसमें जो एमरजेंसी वेंटिलेशन कॉन्टैक्टर है K12 और K22, ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये जो एमरजेंसी वेंटिलेशन कॉन्टैक्टर है K12 K22, ये हमें बेसिकली VAC कैबिनेट में मिलेगा। और जो BK3 कंट्रोलर है, लिब्रर का BK3 कंट्रोलर है, हैलाइट का IDC 1000 कंट्रोलर है। तो जो BK3 कंट्रोलर है लिब्रर का, एमरजेंसी वेंटिलेशन सिग्नल गया इन्वर्टर से, कहाँ पर गया, एमरजेंसी इन्वर्टर से VAC कैबिनेट में जाएगा, राइट। तो ये एमरजेंसी वेंटिलेशन सिग्नल ये बेसिकली इन्वर्टर से VAC कैबिनेट में जाएगा, राइट। या फिर जब ये एमरजेंसी वेंटिलेशन सिग्नल होगा, तो ऐसे केस में जो एमरजेंसी वेंटिलेशन कॉन्टैक्टर है K12 और K22, ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और जो BK3 कंट्रोलर है लिब्रर का, ये बेसिकली इन्वर्टर के स्टेटस को रिकॉर्ड करेगा, और फ्रेश एयर डैम्पर को ओपन कर देगा, क्लोज एयर डैम्पर को, और जो रिटर्न एयर डैम्पर है उसे क्लोज कर देगा। और जो IDC 1000 कंट्रोलर है हैलाइट का, ये बेसिकली अगेन इन्वर्टर के स्टेटस को रिकॉर्ड करेगा, और फ्रेश एयर डैम्पर को क्या करेगा, ओपन कर देगा, और जो क्लोज और जो रिटर्न एयर डैम्पर है उसे क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। लिब्रर का BK3 कंट्रोलर है, और हैलाइट का IDC 1000 कंट्रोलर है। फिर उसके बाद हमारे पास है फॉल्ट सिग्नल। तो जो फॉल्ट सिग्नल होगा, तो ऐसे कि इसमें जो BK3 कंट्रोलर होगा लिब्रर का, और जो IDC कंट्रोलर होगा हैलाइट का, ये क्या करेंगे, फॉल्ट को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब ये जो फॉल्ट सिग्नल है ये कहाँ पर जाएगा, जो फॉल्ट सिग्नल है ये एमरजेंसी इन्वर्टर से VAC कैबिनेट में जाएगा, राइट। एमरजेंसी वेंटिलेशन सिग्नल ये भी एमरजेंसी इन्वर्टर से VAC कैबिनेट में गया था, और फॉल्ट सिग्नल ये भी एमरजेंसी इन्वर्टर से कहाँ पर जाएगा, VAC कैबिनेट में जाएगा, राइट। तो जब फॉल्ट सिग्नल है जिसका फ्लो एमरजेंसी इन्वर्टर से VAC कैबिनेट में होगा, तो ये फॉल्ट सिग्नल जब आएगा, तो ऐसे कि इसमें जो BK3 कंट्रोलर होगा लिब्रर का, और जो IDC कंट्रोलर होगा IDC 1000 कंट्रोलर हैलाइट का, ये फॉल्ट को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद कौन सा सिग्नल है, उसके बाद है हमारा टेस्ट सिग्नल। अब यहाँ पर ये जो टेस्ट सिग्नल है, हम लोग किसको टेस्ट करेंगे, इन्वर्टर को टेस्ट करेंगे। तो इन्वर्टर के इनपुट में जाएगा ये टेस्ट सिग्नल। तो ये जो टेस्ट सिग्नल है इन्वर्टर में जा रहा है, तो आएगा कहाँ से, ये बेसिकली VAC कैबिनेट से जाएगा, राइट। तो टेस्ट सिग्नल ये VAC कैबिनेट से एमरजेंसी इन्वर्टर में जाएगा। तो जब टेस्ट सिग्नल का फ्लो होगा, तो ऐसे केस में जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हो गया एमरजेंसी वेंटिलेशन टेस्ट रिले के, तो जो एमरजेंसी वेंटिलेशन टेस्ट रिले ये है क्या, K86। तो ये K86 है क्या, ये एमरजेंसी वेंटिलेशन टेस्ट रिले, राइट। तो एमरजेंसी वेंटिलेशन टेस्ट रिले ये कौन सा, ये है K86। तो जब टेस्ट सिग्नल जाएगा, तो ऐसे केस में जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हो गया एमरजेंसी वेंटिलेशन टेस्ट रिले के, जो कि K86, ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट हो जाएंगे जब ये सिग्नल एग्जीक्यूट होगा। तो जब टेस्ट सिग्नल एग्जीक्यूट होगा, टेस्ट सिग्नल का जो फ्लो होगा VAC कैबिनेट से हमारे एमरजेंसी इन्वर्टर में जाएगा। और जब टेस्ट सिग्नल जाएगा, तो ऐसे केस में जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है एमरजेंसी वेंटिलेशन टेस्ट रिले के, जो कि है बेसिकली K86, एमरजेंसी वेंटिलेशन टेस्ट रिले को हम लोग किससे शो करते हैं, K86 से, राइट। तो जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है एमरजेंसी वेंटिलेशन टेस्ट रिले के, ये एक्टिवेट हो जाएंगे जब ये सिग्नल एग्जीक्यूट होगा, टेस्ट सिग्नल जब एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद ये हमारा स्टॉप सिग्नल। अब ये जो स्टॉप सिग्नल है ये कैसा फ्लो करेगा, ये जो स्टॉप सिग्नल है ये VAC कैबिनेट से एमरजेंसी इन्वर्टर में जाएगा। तो जब ये स्टॉप सिग्नल जब होगा, तो ऐसे केस में जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हो गए फायर, यहाँ पर ये जो स्टॉप सिग्नल ये भी हम लोग किसको दे रहे हैं, यहाँ पर ये टेस्ट सिग्नल इन्वर्टर को टेस्ट कर रहे हैं, स्टॉप सिग्नल इन्वर्टर को
हम लोग स्टॉप कमांड दे रहे, तो ये जो सिग्नल का जो फ्लो होगा इन्वर्टर की तरफ जाएगा, तो इसका जो ओरिजिन होगा कहाँ से होगा, वीएसी कैबिनेट से। तो जब स्टॉप सिग्नल हम लोग देंगे उसका ओरिजिन वीएसी कैबिनेट से होगा एमरजेंसी इन्वर्टर की तरफ। तो ऐसे कि इसमें जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हो गए, मतलब जब ये सिग्नल एग्जीक्यूट होगा तो जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हो गए फायर अलार्म रिले के, तो जो फायर अलार्म रिले वो है K81। तो जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है फायर अलार्म रिले के, तो फायर अलार्म रिले को हम लोग किससे शो करते, K81 से। तो जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है फायर अलार्म रिले के वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और जो कॉन्टैक्टर होगा वो क्लोज्ड होगा जब कोई फायर नहीं होगी। अगर कोई फायर होगी तो ऐसे केस में जो कॉन्टैक्टर होगा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, सर्किट को आइसोलेट कर देगा। जहाँ से हमने क्या समझा, जब हम लोग स्टॉप सिग्नल देंगे तो ऐसे केस में जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हो गए फायर अलार्म रिले, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हो गए फायर अलार्म रिले के, फायर अलार्म रिले को हम लोग किससे शो करते, K81 से। तो जब स्टॉप सिग्नल देंगे हम लोग तो ऐसे केस में जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हो गए फायर अलार्म रिले के, फायर अलार्म रिले शोन बाय K81। तो जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हो गए फायर अलार्म रिले के वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और जो कॉन्टैक्टर होगा वो क्लोज्ड कंडीशन में होगा जब फायर नहीं लगी होगी, और जब फायर लगी होगी तो ऐसे केस में कॉन्टैक्टर ओपन होगा। कॉन्टैक्टर क्लोज्ड होगा जब कोई फायर नहीं होगी, और जब फायर, अदरवाइज जो कॉन्टैक्टर हो कैसा रहेगा, ओपन रहेगा। तो यहाँ से हमने क्या समझा, जब स्टॉप सिग्नल देंगे तो जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है कौन से रिले के, फायर अलार्म रिले के, फायर अलार्म रिले को शो करते K81 से। तो जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है फायर अलार्म रिले के वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट फायर अलार्म रिले के वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और जो कॉन्टैक्टर होगा क्लोज्ड होगा जब कोई फायर नहीं होगी, अदरवाइज ओपन होगा। फिर उसके बाद वाला जो सिग्नल है वो है थ्री फेज पावर सिग्नल। अब ये जो थ्री फेज पावर सिग्नल है इसका जो फ्लो है वो कैसा होगा, ये थ्री फेज पावर सिग्नल ये भी वीएसी कैबिनेट से एमरजेंसी इन्वर्टर में जाएगा। तो जब थ्री फेज पावर सिग्नल जो कि वीएसी कैबिनेट से एमरजेंसी इन्वर्टर में जाएगा, तो ऐसे केस में जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हो गए पावर मेजरिंग रिले के B1, तो B1 है क्या, ये है बेसिकली पावर मेजरिंग रिले। तो जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है पावर मेजरिंग रिले के वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और जो कॉन्टैक्टर होगा वो ऑपरेट होगा जब पावर हमारा नॉर्मल हो जाएगा, जब पावर हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है थ्री फेज पावर सिग्नल। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कौन कौन से सिग्नल है जो कि हम लोग इन्वर्टर को दे रहे हैं, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें फॉल्ट सिग्नल ये इन्वर्टर से आएगा, टेस्ट सिग्नल ये इन्वर्टर में जाएगा, तो इन्वर्टर में जाएगा तो इसका ओरिजिन कहाँ से होगा, वीएसी कैबिनेट से। स्टॉप सिग्नल ये भी इन्वर्टर में जाएगा तो इसका ओरिजिन कहाँ से होगा, वीएसी कैबिनेट से। थ्री फेज पावर सिग्नल ये भी इन्वर्टर में जाएगा तो इसका ओरिजिन कहाँ से होगा, वीएसी कैबिनेट से, एमरजेंसी इन्वर्टर, राइट। तो जब थ्री फेज सिग्नल हम लोग देंगे जो कि वीएसी कैबिनेट से एमरजेंसी इन्वर्टर में जाएगा, तो थ्री फेज सिग्नल देने पर जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हो गए पावर मेजरिंग रिले के, यहाँ पर ये B1 है क्या, पावर मेजरिंग रिले, तो जो B1 के जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है मतलब पावर मेजरिंग रिले के जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा, कंडीशन ये कि पावर हमारा नॉर्मल होना चाहिए। हम यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अबाउट नॉर्मल वेंटिलेशन सिग्नल, नॉर्मल वेंटिलेशन सिग्नल, यहाँ पर ये नॉर्मल वेंटिलेशन सिग्नल का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है इसी की तरह। तो नॉर्मल वेंटिलेशन सिग्नल से अगर हम लोग देखें, अगर थ्री फेज पावर सिग्नल अगर फेल हो जाता है तो ऐसे केस में जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हो गए पावर मेजरिंग रिले के मतलब B1 के, वो क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे या फिर बोल सकते हैं एक्टिवेट हो जाएंगे। और थ्री फेज पावर अगर एक मिनट में अगर नहीं आता है तो ऐसे केस में जो एमरजेंसी वेंटिलेशन होगा वो 45 मिनट्स के लिए एक्टिवेट हो जाएगा, और जब थ्री फेज पावर सिग्नल आ जाएगा तो ऐसे केस में जो एमरजेंसी वेंटिलेशन होगा वो इमिडिएटली स्टॉप हो जाएगा। फिर उसके बाद जो इन्वर्टर होगा वो बेसिकली एमरजेंसी वेंट सिग्नल भेजेगा किसको, हमारे कंट्रोल क्यूबिकल को। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब हम लोग ट्रेन को डिपार्ट कर रहे होते हैं यार्ड से, तो ऐसे केस में हम लोग बेसिकली एक टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, एमरजेंसी वेंटिलेशन टेस्ट। तो एमरजेंसी वेंटिलेशन टेस्ट ये हमें परफॉर्म करना होता है जब हमारी ट्रेन वर्कशॉप को छोड़ती है, वर्कशॉप से डिपार्ट होती है। और ये टेस्ट में अगर हम लोग देखें एमरजेंसी वेंटिलेशन टेस्ट में जो TCMS है एमरजेंसी सिग्नल भेजता है BK3 कंट्रोलर को। BK3 कंट्रोलर किसका है, लिब्रर का है, और IDC 1000 कंट्रोलर ये किसका, हैलाइट का है। तो यहाँ पर जो TCMS है एमरजेंसी सिग्नल भेजता है BK3 कंट्रोलर को, और ये जो कंट्रोलर ये क्या एक्टिवेट करता है, एमरजेंसी टेस्ट रिले को एक्टिवेट कर देता है क्यूबिकल में, राइट। और जब हमारा एमरजेंसी टेस्ट रिले एक्टिवेट हो जाता है तो इसके बाद क्या होता है, हमारा जो एमरजेंसी वेंटिलेशन होता है वो टेस्ट परफॉर्म हो जाता है। हम यहाँ पर बात करेंगे हम लोग डैम्पर और उसके ऑपरेशंस के बारे में। तो यहाँ पर ये फ्रेश एयर डैम्पर और यहाँ पर ये रिटर्न एयर डैम्पर। अभी यहाँ पर ये फ्रेश एयर डैम्पर, फ्रेश एयर डैम्पर की जो ओपनिंग एंगल होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पैसेंजर। और जो रिटर्न एयर डैम्पर है, फ्रेश एयर डैम्पर फ्रेश एयर को डैम्प करेगा, तो फ्रेश एयर डैम्पर की जो ओपनिंग एंगल है वो चेंज होता है, फ्रेश एयर डैम्पर का जो ओपनिंग एंगल है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पैसेंजर। और रिटर्न एयर डैम्पर का जो मतलब जो ओपनिंग पोजीशन है
वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पैसेंजर्स। तो फ्रेश एयर डैम्पर इसकी जो ओपनिंग एंगल है वो चेंज करता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पैसेंजर। रिटर्न एयर डैम्पर इसका भी जो ओपनिंग एंगल है वो चेंज करता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पैसेंजर। लोकल मोड में अगर हम लोग देखें, लोकल मोड में हमारे पास तीन मोड होते हैं डैम्पर के ऑपरेशन के लिए। लोकल मोड होता है, एमरजेंसी वेंटिलेशन मोड होता है, फिर उसके बाद फायर मोड होता है। तो लोकल मोड में अगर हम लोग देखें, जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा पूरी तरीके से ओपन होगा, और जो रिटर्न एयर डैम्पर होगा वो पूरी तरीके से क्या होगा, वो भी ओपन होगा। तो लोकल मोड में दोनों जो डैम्पर है वो क्या हो गए, वो ओपन हो गए। एमरजेंसी वेंटिलेशन मोड में जो फ्रेश एयर डैम्पर होता है वो फुली ओपन होता है, रिटर्न एयर डैम्पर क्या होता है, क्लोज्ड होता है। रिटर्न एयर डैम्पर क्लोज्ड होता है, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। लोकल मोड, एमरजेंसी मोड, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो फ्रेश एयर डैम्पर है ये हमेशा ओपन होगा। तो यहाँ पर ये लोकल मोड में फ्रेश एयर डैम्पर फुली ओपन, एमरजेंसी वेंटिलेशन मोड में फ्रेश एयर डैम्पर ये भी फुली ओपन। इसको कैसे याद रखें, हमें जो फ्रेश एयर है वो चाहिए होती है, राइट। तो फ्रेश एयर हमें चाहिए होती है, तो फ्रेश एयर डैम्पर कंटिन्यूसली हमें फ्रेश एयर चाहिए होती है, तो दोनों कंडीशन में फुली ओपन होगा, राइट। बट एमरजेंसी वेंटिलेशन मोड में जो रिटर्न एयर डैम्पर होगा क्या होगा, क्लोज्ड होगा। अब यहाँ पर फायर लगेंगी तो ऑब्वियसली आग नहीं, हवा नहीं आना चाहिए। तो फायर मोड में जो फ्रेश एयर डैम्पर है वो भी क्लोज्ड होता है, और जो रिटर्न एयर डैम्पर है वो भी क्या होता है, पूरी तरीके से कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, लोकल मोड में जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा फुली ओपन होगा, फिर उसके बाद जो रिटर्न एयर डैम्पर होगा वो भी क्या होगा, फुली ओपन होगा। वेंटिलेशन मोड में फ्रेश एयर डैम्पर, वेंटिलेशन में क्या चाहिए होती है, फ्रेश एयर चाहिए होती है, तो फुली ओपन। बट जो रिटर्न एयर है वो फुली क्लोज, रिटर्न एयर डैम्पर ये फुली क्लोज्ड होगा। फायर मोड में फ्रेश एयर डैम्पर भी क्लोज्ड होगा, और जो रिटर्न एयर डैम्पर है ये भी क्लोज्ड होगा। अभी अगर हम लोग देखें, फार्मूला टू कैलकुलेट पैसेंजर लोड, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो पैसेंजर लोड है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है जो कि ये है। तो जो पैसेंजर लोड, या फिर बोल सकते हैं जो पैसेंजर वेट होता है, वो डिफरेंस होता है किसका, नेट कार वेट अलॉन्ग विद पैसेंजर वेट, नेट कार वेट विदाउट पैसेंजर वेट, राइट। तो पैसेंजर लोड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है। पैसेंजर लोड जो होता है वो पैसेंजर जो लोड या फिर जो पैसेंजर वेट होता है वो डिफरेंस होता है किसका, नेट कार वेट अलॉन्ग विद पैसेंजर वेट, नेट कार वेट अलॉन्ग विद विदाउट पैसेंजर वेट। तो नेट कार वेट अलॉन्ग विद पैसेंजर वेट, नेट कार वेट विदाउट पैसेंजर वेट, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो पैसेंजर वेट है वो है क्या, पैसेंजर वेट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, पैसेंजर वेट डिफरेंस होता है किसका, नेट कार वेट अलॉन्ग विद पैसेंजर, नेट कार वेट विदाउट पैसेंजर। तो W है क्या, पैसेंजर लोडिंग या फिर पैसेंजर वेट, W A है क्या, कार वेट अलॉन्ग विद पैसेंजर, W C है क्या, नेट कार वेट विदाउट पैसेंजर। अभी यहाँ पर ये हमने बेसिकली बात किया था फ्रेश एयर डैम्पर के बारे में और उसकी ओपनिंग के बारे में। जो फ्रेश एयर डैम्पर है अपनी पोजीशन को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू पैसेंजर लोडिंग, राइट, ताकि जो फ्रेश एयर है उसे रिड्यूस कर पाए। फ्रेश एयर को हम लोग इसलिए रिड्यूस करते हैं फॉर एनर्जी सेविंग पर्पस। और यहाँ पर ये हमने अलग अलग एंगल के बारे में बात किया था। तो वंस अगेन रिपीट कर लेते हैं, फ्रेश एयर डैम्पर की टोटल हमारे पास 5 ऑपरेटिंग पोजीशन होती है, P1, P2, P3, P4, P5। P1 पोजीशन में जो फ्रेश एयर डैम्पर होता है पूरी तरीके से क्लोज्ड होता है। पूरी तरीके से क्लोज्ड होगा तो डिग्री ऑफ डैम्पर 0 डिग्री, नंबर ऑफ पैसेंजर 0 होगा, लोड वेट भी क्या होगा, 0 होगा। P2 पोजीशन में जो एंगल होता है फ्रेश एयर डैम्पर का 40 डिग्री होता है, और जो फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/4 ऑफ टोटल एयर। जो फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम होता है 1/4 होता है किसका, टोटल एयर का। और ऐसे केस में जो डैम्पर की जो डिग्री होती है कितनी होती है, 40 डिग्री होती है, जैसे हमने बात किया। नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने होते हैं, 58 होते हैं, जस्ट एज अ अप्रॉक्सीमेशन हम लोग 50 कंसिडर कर सकते हैं। और जो लोड वेट होगा कितना होगा, 3000 होगा, कितना होगा, 3000। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, एंगल ऑफ डैम्पर जब 60 डिग्री होता है तो फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, हाफ होता है टोटल फ्रेश एयर का। तो इसको कैसे याद रखें, यहाँ पर ये P3 पोजीशन, यहाँ पर ये 6, 3 2 6, तो यहाँ पर ये 2। तो फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम होता है हाफ होता है किसका, टोटल फ्रेश एयर का। डैम्पर की जो डिग्री होती है 60 डिग्री होती है। नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हो गए, यहाँ पर ये 50 थे तो 100 और ऐड कर दो, यहाँ पर ये 150 पैसेंजर्स हो गए। लोड वेट यहाँ पर ये 3500 है तो और 6000 कर दो, तो यहाँ पर ये 9000। फिर उसके बाद जब एंगल ऑफ डैम्पर 75 डिग्री होगा तो फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम होगा 3/4 होगा टोटल फ्रेश एयर का। डैम्पर की डिग्री 75 होगी, पैसेंजर्स 195 हो गए, और जो लोड वेट होगा कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पर ये हमने 150 कंसिडर किया, मान लेते हैं 200 है, तो यहाँ पर ये पैसेंजर कितने हो जाएंगे, 200, और जो लोड वेट होगा अप्रॉक्सीमेटली 12000 के बराबर में होगा। जब एंगल ऑफ डैम्पर 100 डिग्री होता है तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें, जो फ्रेश एयर डैम्पर होता है पूरी तरीके से क्या होता है, ओपन होता है। डैम्पर डिग्री 100, नंबर ऑफ पैसेंजर 330 हो गए, और जो लोड वेट हो गए कितना होगा, 20000 होगा।
तो कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, फ्रेश एयर डैम्पर का एंगल 40 डिग्री होगा, फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम है 1/4 होगा टोटल फ्रेश एयर का। एंगल ऑफ डैम्पर 60 डिग्री होगा, फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम होगा हाफ होगा टोटल फ्रेश एयर का। फ्रेश एयर डैम्पर का एंगल 75 डिग्री होगा तो फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम है 3/4 होगा टोटल फ्रेश एयर का। एंगल ऑफ डैम्पर 100 डिग्री होगा तो ऐसे केस में जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा पूरी तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कंप्रेसर के स्टार्टिंग सीक्वेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो जो कंप्रेसर होता है पूरे ट्रेन का वो सिक्वेंशली स्टार्ट होना चाहिए ताकि जो इनरश करंट है उसको हम लोग क्या कर पाए, प्रिवेंट कर पाए। तो कंप्रेसर ऑफ एंटायर ट्रेन शुड स्टार्ट सिक्वेंशली, पूरे ट्रेन का जो कंप्रेसर है वो कैसे स्टार्ट होना चाहिए, सिक्वेंशली स्टार्ट होना चाहिए ताकि जो इनरश करंट है वो उसको हम लोग प्रिवेंट कर पाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंप्रेसर को कैसे स्टार्ट करेंगे, तो स्टेप वन में हम लोग कंप्रेसर स्टार्ट सिग्नल देंगे किसको, TCMS को। स्टेप टू में TCMS के थ्रू हम लोग एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल मिलेगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, रिसीव कंप्रेसर स्टार्ट परमिट सिग्नल दैट इज रिवर्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, और ये हमें कौन देगा, TCMS देगा। स्टेप थ्री जो कंडेंसर होगा कंडेंसर फैन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। स्टेप फोर जो सारे जो कंप्रेसर है वो कंप्रेसर जो है वो सिक्वेंशली स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें VAC यूनिट में पहला क्या स्टार्ट होता है, पहला इवेपोरेटर फैन स्टार्ट होता है, फिर कंडेंसर स्टार्ट होता है, फिर कंप्रेसर स्टार्ट होता है, फिर कूलिंग स्टार्ट होती है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पूरे प्रोसेस में, अगर हम लोग देखें जैसे हमने बात किया VAC में सबसे पहला जो इवेपोरेटर फैन है वो स्टार्ट होता है, पहला इवेपोरेटर फैन स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद कंडेंसर कंप्रेसर कूलिंग CCC, पहला कंडेंसर फिर कंप्रेसर फिर कूलिंग। तो पहला इवेपोरेटर फैन स्टार्ट होगा, फिर कंडेंसर स्टार्ट होगा, फिर कंप्रेसर स्टार्ट होगा, कूलिंग स्टार्ट होगा। अब कंप्रेसर जैसे कि हमने बात किया था क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। अभी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें जो रेफ्रिजरेंट है हमें पूरे सिस्टम में क्या करवाना है, सर्कुलेट करवाना है। अभी ये रेफ्रिजरेंट को पूरे सिस्टम में सर्कुलेट करवाने का काम कौन करता है, कंप्रेसर करता है, जो कि क्या करता है, जो रेफ्रिजरेंट है उसे बेसिकली सक करता है और डिस्चार्ज करता है, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है, फिर उसको डिस्चार्ज कर देता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो रेफ्रिजरेंट है बेसिकली क्या हो रहा होता है, सर्कुलेट हो रहा होता है हमारे पूरे सिस्टम में। और यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम कंप्रेसर हमारे थ्रॉटलिंग डिवाइस भी होते हैं जैसे कि एक्सपांशन वाल्व, इसके थ्रू भी जो हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है वो सर्कुलेट हो रहा होता है हमारे पूरे VAC सिस्टम में। तो जैसे हमने बात किया पहला एवेपोरेटर स्टार्ट होगा, फिर कंडेंसर स्टार्ट होगा, फिर कंप्रेसर, फिर कूलिंग स्टार्ट होगी। और ये पूरे प्रोसेस में अगर हम लोग देखें टाइम डिले होता है, जैसे हमने बात किया स्टेप वन में कंप्रेसर को स्टार्ट करने का सीक्वेंस क्या है, पहला कंप्रेसर स्टार्ट सिग्नल भेजेंगे TCMS को, फिर कंप्रेसर स्टार्ट परमिट सिग्नल हम लोग को मिलेगा, रिवर्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल वो TCMS के थ्रू से हमें एक्नॉलेज करना होगा। स्टेप थ्री में क्या होगा, कंडेंसर फैन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा, फिर सारे कंप्रेसर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे हमने बात किया जब VAC को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ऐसे केस में जो एवोपरेटर है वो स्टार्ट होता है, फिर कंडेंसर फैन 1 और 2 सिक्वेंशली स्टार्ट होते हैं, फिर कंप्रेसर 1 और 2 सिक्वेंशली स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद VAC काम करना चालू कर जाता है। जब हम लोग VAC को रोकते स्टॉप करते हैं तो ऐसे केस में पहला जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर जो है वो बंद होता है, कंप्रेसर 1 और 2, मतलब कंडेंसर 1 और 2 बंद होता है, फिर इवेपोरेटर बंद होता है, फिर उसके बाद VAC हमारा क्या हो जाता है, पूरी तरीके से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो हमें CCC याद रखना है, कंडेंसर कंप्रेसर कूलिंग। तो पहला जब VAC को ऑन करेंगे तो इवेपोरेटर स्टार्ट होगा, कंडेंसर फैन 1 और 2 स्टार्ट होगा सिक्वेंशियली, फिर कंप्रेसर 1 और 2 सिक्वेंशियली स्टार्ट होगा, फिर VAC काम करना चालू कर जाएगा। और जब VAC को हम लोग स्टॉप करते हैं तो कंप्रेसर 1 और 2 बंद हो जाता है, फिर कंडेंसर 1 और 2 बंद हो जाता है, इवेपोरेटर बंद हो जाता है, फिर VAC क्या हो जाता है, पूरी तरीके से बंद हो जाता है। यहाँ पर जैसे हमने बात किया जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है तो पूरे प्रोसेस में टाइम डिले लगता है 2 सेकंड का। हमारे सिस्टम में जैसे हमने बात किया जो कंप्रेसर है वो सिक्वेंशियली स्टार्ट होना चाहिए ताकि जो इनरश करंट है उसको हम लोग प्रिवेंट कर पाए। कंप्रेसर स्टार्ट एंड स्टॉप लिमिट, कंप्रेसर की जो स्टार्ट लिमिट है 3 मिनट में स्टार्ट हो जाता है और स्टॉप लिमिट 3 मिनट। तो कंप्रेसर स्टार्ट और स्टॉप कितने टाइम में होता है, 3 मिनट में होता है। अगर कोई फॉल्ट होता है तो ऐसे कि इसमें 0 लिमिट होती है, कंप्रेसर स्टॉप एट वंस, मतलब अगर कोई फॉल्ट होता है तो ऐसे कि इसमें जो कंप्रेसर है वो इमीडिएटली क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। और नॉर्मल कंडीशन में कंप्रेसर स्टार्ट और स्टॉपिंग टाइम कितना होता है, 3 मिनट्स होता है। अभी अगर हम लोग देखें हमारे सिस्टम में अलग अलग सेंसर लगे होते हैं। यहाँ पर ये वेंटिलेशन क्या होता है, वेंटिलेशन का मीनिंग क्या होता है, जो वेंटिलेशन होता है, वेंटिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग सिस्टम में से हीट को निकाल देते और फ्रेश एयर को हम लोग इंजेक्ट कर देते सिस्टम में, रिमूव हीट फ्रॉम सिस्टम। जब VAC हमारा वेंटिलेशन मोड में काम करता है
तो ऐसे कि इसमें सिस्टम में से सारी पूरे सलून में से पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो फ्रेश एयर है उसे अलाउ कर देता है, फ्रेश एयर डैम्पर ओपन होता है तभी। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारे सिस्टम में अलग अलग सेंसर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिटर्न एयर सेंसर हो गया, फ्रेश एयर सेंसर हो गया। तो सबसे पहला बात करते हैं फ्रेश एयर सेंसर के बारे में। तो जो फ्रेश एयर, जहाँ से हमने क्या समझा, जो कंप्रेसर स्टार्ट और जो स्टॉप लिमिट है वो कितना है, वो है 3 मिनट। कंप्रेसर 3 मिनट में स्टार्ट होना चाहिए, 3 मिनट में स्टॉप होना चाहिए। अगर किसी भी तरीके का अगर फॉल्ट होता है तो ये फॉल्ट के केस में क्या होगा, जो कंप्रेसर है वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा। फ्रेश एयर सेंसर ये क्या करता है, जो फ्रेश एयर है उसे क्या करता है, सेंस करता है। यहाँ से क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, डैम्पर की डिग्री अगर 60 है तो ऐसे केस में जो फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम होगा, जो हमारा जैसे कि हमने बात किया, फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम होगा कितना होगा, 1/3 होगा टोटल फ्रेश एयर का। फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम होगा 1/3 होगा किसका, एंगल ऑफ डैम्पर अगर 60 डिग्री है तो फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम होगा कितना होगा, 3 × 2 = 6, हाफ होगा टोटल फ्रेश एयर का। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पहला हमें 1/4 कंसीडर करना है, फिर उसके बाद 1/2 कंसीडर करना है, फिर 3/4 कंसीडर करना है। ये सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए, बस 1/4, हाफ और 3/4, 1/4, हाफ और 3/4, राइट। तो जब 40 डिग्री होगा तो 1/4, 60 डिग्री होगा तो क्या होगा, जो फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम होगा हाफ होगा टोटल फ्रेश एयर का। जब 75 होगा तो ऐसे कि इसमें 3/4 होगा टोटल फ्रेश एयर का, फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम होगा 3/4 होगा टोटल फ्रेश एयर का। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया फ्रेश एयर सेंसर, फ्रेश एयर सेंसर क्या करता है, फ्रेश एयर को सेंस करता है। फ्रेश एयर सेंसर में 2 यूनिट है। सबसे पहला अगर हम लोग देखें, जब एक फेल हो जाता है तो ऐसे केस में जो VAC वो नॉर्मली काम करता है, और जब दोनों फेल हो जाते हैं तो ऐसे केस में जो VAC है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ऐसे केस में कोई कूलिंग नहीं होगा, कोई वेंटिलेशन नहीं होगा। तो फ्रेश एयर सेंसर ये क्या करता है, फ्रेश एयर को सेंस करता है। और जैसे हमने बात किया, जो फ्रेश एयर सेंसर है क्या करता है, फ्रेश एयर को सेंस करता है। और फ्रेश एयर सेंसर में हमें बेसिकली 2 यूनिट मिलती है। जब एक यूनिट फेल हो जाती है तो ऐसे केस में जो VAC है नॉर्मली काम कर सकता है, मगर जब दोनों यूनिट फेल हो जाती है तो ऐसे केस में जो VAC वो काम करना बंद कर देते हैं, और तभी कोई कूलिंग भी नहीं होती और कोई वेंटिलेशन भी नहीं होता। अब ये वेंटिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग सेलोन में जो भी जो हीट होती है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, और जो फ्रेश एयर है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिटर्न एयर सेंसर, ये रिटर्न एयर सेंसर क्या करता है, रिटर्न एयर को सेंस करता है। इसके भी 2 यूनिट होती है। जब एक यूनिट फेल हो जाएगा तो VAC नॉर्मली काम करेगा, मगर जब दोनों फेल हो जाएंगे तो ऐसे केस में जो VAC काम करना बंद कर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमारे एंगल ऑफ डैम्पर 75 डिग्री होगा तो ऐसे केस में जो फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम होगा 3/4 होगा टोटल फ्रेश एयर का। एंगल ऑफ डैम्पर 140 डिग्री होगा तो फ्रेश एयर का जो वॉल्यूम होगा कितना होगा, 1/4 होगा टोटल फ्रेश एयर का। एंगल ऑफ डैम्पर जब 60 डिग्री होगा फ्रेश एयर का वॉल्यूम कितना होगा, 1/2 होगा टोटल फ्रेश एयर का। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर इवेपोरेटर अगर फेल हो जाता है तो ऐसे केस में पूरा जो VAC यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि पहला VAC जब स्टार्ट होता है तो पहला इवेपोरेटर काम करता है, कंडेंसर काम करता है, कंप्रेसर काम करता है, कूलिंग स्टार्ट होती है। अगर कंडेंसर अगर फेल हो जाएगा तो कोई कूलिंग नहीं होगा और कोई वेंटिलेशन नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, यहाँ पर ये डिफाइन किलो कैलोरी। किलो कैलोरी का मतलब क्या, अमाउंट ऑफ हीट टू बी एडेड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें किलो कैलोरी का मतलब क्या, 1 किलोग्राम वाटर के टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए हमें जो हीट जो प्रोवाइड करनी होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, किलो कैलोरी। कितनी हीट हमें ऐड करना होगा 1 किलोग्राम पानी के टेम्परेचर को पर डिग्री चेंज करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी का मतलब क्या है, कितनी हीट हमें ऐड करना होगा 1 kg वाटर के टेम्परेचर को पर डिग्री इंक्रीज करने के लिए, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं किलो कैलोरी। BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट, अमाउंट ऑफ हीट टू बी एडेड टू चेंज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। हमें कितनी हीट ऐड करना होगा टेम्परेचर को 1 डिग्री चेंज करने के लिए 1 pound वाटर को, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट। किलो कैलोरी और ब्रिटिश थर्मल यूनिट दोनों में डिफरेंस ये है कि किलो कैलोरी में हम लोग ये देख रहे हैं 1 किलोग्राम पानी के टेम्परेचर को पर डिग्री चेंज करने के लिए हमें जो हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा है उसको हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं किलो कैलोरी। अब ब्रिटिश थर्मल यूनिट 1 pound of water के टेम्परेचर को पर डिग्री चेंज करने के लिए हमें जो हीट जो प्रोवाइड करना होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 किलो कैलोरी किसके बराबर में होती है, 3.97 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के।
हम यहाँ पर बात करते हैं लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट है क्या? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने के लिए हमें जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लेटेंट हीट। सॉलिड टू लिक्विड चेंज करने के लिए लेटेंट हीट। अब सेंसिबल हीट, इट इज़ द हीट सेंस बाय थर्मामीटर। सेंसिबल हीट है क्या? ये एक ऐसी हीट है जो कि थर्मामीटर सेंस करता है, और ये जो सेंसिबल हीट है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है टेम्परेचर चेंज के लिए। थर्मामीटर अगर हीट को सेंस कर रहा है तो थर्मामीटर का टेम्परेचर चेंज होगा, तो ये जो सेंसिबल हीट होती है टेम्परेचर चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हम यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंप्रेसर फील्ड कंडीशन, कंप्रेसर जो फील्ड, इफ़ एच पी एंड एल पी फॉल्ट डिटेक्टेड इन 1 आवर देन कंप्रेसर विल नेवर स्टार्ट अंटिल कंट्रोलर इज रीस्टार्टेड। 1 कंप्रेसर फील्ड हाफ कूलिंग प्लस वेंटिलेशन, दोनों कंप्रेसर फील्ड हो जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? वेंटिलेशन होगा। तो यहाँ से हमने क्या समझा, अगर एक कंप्रेसर अगर फील्ड हो जाता है, 2 हमारे पास कंप्रेसर है, अगर एक कंप्रेसर अगर फील्ड हो जाता है तो हमारा जो बी ए सी हाफ कूलिंग कैपेसिटर पर काम करेगा और वेंटिलेशन मोड पर काम करेगा, और वेंटिलेशन मोड पे क्या होगा, फ्रेश एयर आएंगी और हीट जाएंगी, और जब दोनों कंप्रेसर फेल हो जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेशन मोड होगा। वेंटिलेशन मोड होगा इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्रेश एयर आएंगी अंदर। कंप्रेसर फील्ड कंडीशन, अगर एच पी और एल पी फॉल्ट अगर डिटेक्ट होता है, राइट, तो ऐसे केस में एच पी और एल पी फॉल्ट अगर डिटेक्ट होता है तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर है वो कभी स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि हम लोग कंट्रोलर को रीस्टार्ट नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर एच पी और एल पी फॉल्ट अगर डिटेक्ट होता है तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट नहीं होता जब तक कि हम लोग कंट्रोलर को रीस्टार्ट ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एच पी और एल पी फॉल्ट अगर डिटेक्ट हो गए तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि हम लोग कंट्रोलर को रीस्टार्ट नहीं करते। एक कंप्रेसर अगर फेल होगा तो हाफ कूलिंग प्लस वेंटिलेशन, दोनों कंप्रेसर अगर फेल हो जाएंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेशन होगा। अबाउट वी ए सी आइसोलेशन स्विच, वी ए सी आइसोलेशन स्विच ये कैब में होता है। वी ए सी को हम लोग टर्न ऑन और ऑफ कर सकते हैं मैनुअली विद द हेल्प ऑफ वी ए सी आइसोलेशन स्विच। अगर फायर लगती है तो जो पायलट है ये जो स्विच है इसे आइसोलेशन पोजीशन पर रखेगा, ऑफ पोजीशन पे, जिसके वजह से जो वी ए सी है वो काम करना बंद कर जाएगा और सारे जो डैम्पर्स होंगे वो क्लोज्ड हो जाएंगे फायर को प्रिवेंट करने के लिए। डिग्रेडेड मोड ऑफ वी ए सी, डिग्रेडेड मोड ऑफ वी ए सी, वी ए सी के डिग्रेडेड मोड में होता क्या है, जब 25 kV हमारा लॉस्ट हो जाता है या फिर बोल सकते हैं जब एस आई वी फेल हो जाता है ऑपरेट करने से, तो ऐसे केस में जो एमरजेंसी वेंटिलेशन है वो स्टार्ट हो जाता है और जो एमरजेंसी इन्वर्टर है वो बैटरी के वो काम करने लगता है बैटरी के थ्रू, राइट। और ऐसे केस में अगर हम लोग देखें जो इन्वर्टर है कन्वर्जन करेगा डीसी टू एसी, तो ऐसे केस में 115 वोल्ट डीसी 415 वोल्ट एसी में कन्वर्ट होगा और 45 मिनट्स के बाद जो एमरजेंसी वेंटिलेशन होगा क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। तो डिग्रेडेड मोड ऑफ वीएसी में हमने क्या समझा, जब 25 kV लॉस्ट हो जाता है या फिर बोल सकते जब एसआईवी हमारा काम नहीं कर पाता है, तो ऐसे केस में जो एमरजेंसी वेंटिलेशन एमरजेंसी इन्वर्टर जो है वो ऑपरेट होने लगेगा और जो एमरजेंसी वेंटिलेशन होगा वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। मतलब जब 25 किलो वोल्ट वोल्टेज अगर लॉस्ट हो जाता है या फिर हमारा एसआईवी फेल हो जाता है, तो ऐसे केस में जो एमरजेंसी इन्वर्टर होगा वो ऑपरेट होने लगेगा और हमारा जो वीएसी एमरजेंसी वेंटिलेशन मोड पर काम करेगा। और कब तक के काम करेगा, 45 मिनट्स तक के काम करेगा, फिर उसके बाद जो एमरजेंसी वेंटिलेशन है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो एमरजेंसी इन्वर्टर है बैटरी के थ्रू काम करता है और ये जो एमरजेंसी इन्वर्टर है 115 वोल्ट डीसी को 415 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें लिब्रर की एसी होती है ट्रेन साइड 1 से ट्रेन साइड 8 के बीच में, हैलाइट की एसी होती है ट्रेन साइड 9 से ट्रेन साइड 16 के बीच में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें लिब्रर होता है ट्रेन साइड 1 से 8 के बीच में लिब्रर की एसी है, ट्रेन साइड 9 से 16 के बीच में हैलाइट की एसी होती है। टोटल एसी यूनिट कितनी है, 10 है। रेफ्रिजरेंट है R407C। कूलिंग कैपेसिटी कितनी है, 14 टन से, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 14 एसी यूनिट है 10, रेफ्रिजरेंट है R407C, कूलिंग कैपेसिटी 14 टन्स और वेट कितना है 950 kg। डीटी में अगर हम लोग देखें 3 AC यूनिट है और मोटर कार में 2 AC यूनिट है, 2 SIV यूनिट है ट्रेन के बीच में। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये DT1 और ये मोटर कार दोनों को एक SIV1 फीट करता है, उसके बाद यहाँ पर ये मोटर 2 और यहाँ पर ये DT2, तो दोनों को दूसरा SIV फीट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। DT1 और मोटर कार 1 दोनों को SIV 1 फिट करेगा, फिर उसके बाद मोटर कार 2 और DT2 दोनों का SIV 2 फिट करेगा।